विश्वरंग रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय वनवन सृजनपीठ और आईसेट पब्लिकेशन के इस प्रतिष्ठा आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईसेट पब्लिकेशन अपने सामाजिक सरोकारों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार उत्कृष्ट साहित्य का प्रकाशन कर रहा है और पाठकों को उपलब्ध करा रहा है। आईसेट पब्लिकेशन कला, साहित्य, शिक्षा, साक्षरता, ज्ञान विज्ञान, कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तकों का प्रकाशन और पत्रिकाओं का राष्ट्रीय प्रकाशन कर रहा है। आईसेट पब्लिकेशन सभी लेखकों की मौलिक, अनुदित, संपादित, संकलित रचनाओं को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आईसेट पब्लिकेशन द्वारा सभी विधाओं पर, सभी विषयों पर देश के उभरते लेखकों और प्रतिष्ठित रचनाकारों का प्रकाशन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको मैं आपको याद दिला दूं कि आईसेट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ई पोर्टल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और आईसेट ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। सराहनीय बात है कि हमारे देश के विभिन्न रचनाकार भी आईसेट प्रकाशन से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आईसेट पब्लिकेशन की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहरहाल, आज के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में आईसेट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक वरिष्ठ रचनाकार श्री कर्नल गिरिजेश शर्मा सक्सेना जी की पुस्तक सत्य, तथ्य और कथ्य का आज विमोचन होगा और साथ में कहानी पाठ भी। कर्नल गिरिजेश सक्सेना की रचना संसार पर टिप्पणी करने के लिए हमारे बीच में आज उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ साहित्यकार गोकुल सोनी, वनवाली सज्जन पीठ के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश वर्मा जी, लघु शोध कथा केंद्र की निदेशक श्रीमती कांता राय और अक्षरा की सह संपादिका केतकी जय शर्मा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार, विज्ञान कर्मी, सामाजिक उद्यमी और विश्वरंग के प्रणेता आदरणीय संतोष चौबे जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं हमारे बीच हमारे प्रिय कथाकार रचनाकार घनश्याम मैथिल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और इस कार्यक्रम के संचालन सूत्र संभाले। आदरणीय घनश्याम मैथिल जी। जी मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है कि विगत निरंतर विश्व रंग के अंतर्गत जो विविध कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो आईसेट पब्लिकेशन से सद्य प्रकाशित अभी नवीनतम कृति वरिष्ठ रचनाकार कर्नल डॉक्टर गिरिजेश सक्सेना की हमारे मध्य आई है पाठकों के सम्मुख। उस किताब का लोकार्पण आज हम यहाँ करेंगे और इस महत्वपूर्ण आयोजन में जैसा कि आप सबको मालूम है हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं आज के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय चौबे जी, इसके साथ हमारे मुकेश वर्मा जी, साथ में इस पुस्तक पर वक्तव्य के लिए श्री गोकुल सोनी जी, जया केतकी जी और कांता राय जी। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ इस आयोजन में और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम इस पुस्तक का लोकार्पण करना चाहेंगे, फिर हम वक्तव्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं जो भी हमारे मंचस्थ हैं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, आदरणीय श्री मुकेश वर्मा जी और हमारे वक्तव्य देने वाले वरिष्ठ साहित्य जी, उनसे अनुरोध है और हमारे साथ ही हमारे लेखक आज के उत्सव पुरुष कर्नल डॉक्टर गिरिजेश सक्सेना, आप गिरिजेश जी अपनी किताब तो लीजिए, गिरिजेश जी किताब लीजिए। जी जी जी, हाँ किताब, मैं चाहूंगा कि सब अपनी किताब लें और आज इस पुस्तक लोकार्पण का हम यहाँ पर औपचारिक विधिवत रूप से इसको लोकार्पित करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, एक बार तालियां बजा के स्वागत किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है सर आपकी पुस्तक का। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आप सब लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी है, निश्चित रूप से इस किताब के बारे में देखा होगा कि इसमें प्रस्तावना के रूप में अपने विचार वरिष्ठ कथाकार श्री मुकेश वर्मा जी ने रखे हैं और हमारे मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के आदरणीय दादा कैलाश चंद जी पंत ने भी अपनी बात लिखी है कि वे इन कहानियों को, इन संस्मरणों को
किस दृष्टि से देखते हैं और आपने भी इसमें एक अपनी दृष्टि देखी होगी। तो मित्रों मैं ये चाहूंगा कि इस कृति से कर्नल डॉक्टर गिरजेश सक्सेना अपनी एक मनपसंद कहानी का वाचन करें। आदरणीय कर्नल डॉक्टर गिरजेश सक्सेना। नमस्कार। मां मानस मंच सभी को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं जो कहानी आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बोलो तो आज भी जमाने की सारी तोहमतों, सारे व्यवसायीकरण के बाद भी जो एक प्रतिबिंब सामने आता है वह एक ऐसे व्यक्ति का होता है जो सीधा साधा, सभ्य, सौम्य, निश्चल, निष्कपट, निरीह, निस्वार्थ, अपनी जरूरतों से बेगाना, जमाने की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ हर आने जाने वाले के दुख दर्द का मसीहा। आमतौर पर जाती जरूरतों से नहीं होनी चाहिए, घर परिवार से बेलाग बेदाग हो तो सोने पे सुहागा। सच पूछो तो आज के इस भौतिकवादी युग में जब चिकित्सा एक सेवा नहीं व्यवसाय बन गई है, ऐसे अजूबे इस जमाने में अब कहाँ पाए जाते हैं। गुजरे जमाने की बात है, मेरा शहर एक छोटा सा शहर था, पहाड़ियों, वादियों, ताल तलैयों, हरी भरी घाटियों के बीच बसा। मौसम हमेशा मेहरबान, न सर्दी सताती न गर्मी, लू और शीत लहर तो सुने ही न थे। बारिश की रिमझिम सावन भादों में तो कभी झड़ी लगा के बरसात होती थी। कभी कभार सूरज दिख जाता तो जश्न हो जाता, वो या भोपाल को जमीन पर जन्नत कहूं तो बेजा ना होगा। यहाँ के बाशिंदे भी वैसे ही तबीयत के खुश मिजाज, गर्मजोशी और मोहब्बत से लबरेज। शहर तो एक किले की चार दीवारी या कहें तो परकोटे में बसा था, पर पहाड़ी इलाका होने के कारण दूर दूर टुकड़ों में भी बसाहट थी, बस्तियां थी। मैं इस गुलों के शहर के 50 के दशक के पूर्वार्ध की बात कर रहा हूँ। शहर में इक्का दुक्का ही मिल कारखाने थे, शहर की फिजा में खलल ना पड़े इस नजर से इन्हें शहर के बाहर रखा गया था। इनमें छोटे कारखानों को छोड़ दिया जाए तो रेलवे स्टेशन के पार चांदबड़ पर एक बड़ा सा कपड़ा मिल था, शहर की सरहद से लगा पुट्ठा मिल था और काली मिट्टी में उगने वाली कपास को धुनने बुनने वाला पुतली घर था। शहर की नींद को मौत की नींद सुलाने वाला यूनियन कार्बाइड तो तब तक ख्वाबी वजूद भी ना था। डॉक्टर बद्री प्रसाद कपड़ा मिल के डॉक्टर थे, जैसा कि मुझे परिजनों से पता चला। डॉक्टर साहब डॉक्टरी पढ़कर आए, उसके बाद वे सीहोर छावनी में अंग्रेजों के डॉक्टर हो गए। किसी बात पर नाराजी होने पर अंग्रेजों की मुलाजमत छोड़कर भोपाल आए और कपड़ा मिल में मुलाजमत कर ली। कपड़ा मिल के अहाते में ही उनका एक छोटा सा बंगला था जहां वे अपने परिवार के साथ रहते थे। आहते में ही छोटा सा दवाखाना था जहां वे बीमार मिल मजदूरों को देखा करते थे। मुझे जो याद है वे शायद 52 या 55 के साल थे जब वे कपड़ा मिल की नौकरी छोड़कर शहर में आ गए। जुमेराती बाजार के पास पुराने कबाड़खाने के पीछे वाली सड़क पर उनका पुश्तैनी मकान था। उनने अलग से कोई दवाखाना नहीं रखा था, जो आ गया घर पर ही कमरे में देख लेते। कोई बुलाने आता तो घर जाकर मरीज भी देखाते। उन दिनों बाईसाइकिल यानी साइकिल होना एक बड़े आदमी की निशानी थी, मोटरसाइकिल होना सपना था और कार तो नवाब सेठों के ही नसीब की बात थी। डॉक्टर साहब के पास मिल की नौकरी तक मैंने खुद एक काली कार उनके पास देखी थी, जो बाद में मुझे याद है उनके पास सिर्फ एक साइकिल थी। घर में मरीज को देखते अपनी साइकिल से ही जाते। मरीज देखने दिखाने के उस जमाने के तौर तरीके निराले ही थे। रोजमर्रा के मरीज आते तो घर के बाहर पटियों पर बैठ जाते। डॉक्टर साहब की लोकप्रियता के बारे में कहूँ तो मजे की बात तो यह है कि उनकी सीहोर की नौकरी के जमाने के मरीज भी सीहोर से भोपाल बैलगाड़ियों में लदकर सीहोर से आते और उन्हें दिखाते।
सुबह के 9 बजते डॉक्टर साहब का दरवाजा खुलता तो एक के बाद एक लोग अंदर जाते बाहर आते, ना कोई हो हल्ला, ना शिकवा, ना शिकायत। लोग एक दूसरे की तकलीफ जरूरत को समझते और अपने आप आगे पीछे हो जाते। जिसे मरीज घर दिखाना होता लाइन में आखिरी में आता, डॉक्टर साहब आखिर में अपने चमड़े के चौकोर बैग की में जरूरत की चीजें रखते, बैग साइकिल कैरियर पर लगाते और चल पड़ते बंदे के साथ। यह उनका तकरीबन रोज का ही फेरी का वक्त होता था। जिस जिस मरीज को उन्होंने घर देखा होता, वापसी में उनके घर जाकर रुकते, देखते, उसका हाल पूछते हुए ही वापस अपने घर आते। गोया की डॉक्टर बद्री प्रसाद पूरी ईमानदारी से बीमार मानवता की सेवा में समर्पित थे। डॉक्टर बद्री प्रसाद को जब भी किसी ने देखा सिर्फ मुस्कुराते ही देखा, कभी किसी ने उनको धल्लाते या चिल्लाते ना सुना। उनका इस तरह का व्यवहार सपनों से भी परे था। रात बिरात भी डॉक्टर बद्री प्रसाद दस्तक देने वाले को निराश नहीं करते। डॉक्टर साहब कभी किसी से कुछ नहीं मांगते किसी भी रूप में। सच तो ये था कि जो कुछ श्रद्धा से प्रेम से टेबल पर रख जाता मुस्कुरा कर रख लेते। मजे की बात तो यह थी कि लोग पैसा ना होने पर गेहूं, चावल, सब्जी, कपड़ा जो कुछ भी रख जाते शुक्रिया के साथ स्वीकार कर लेते। ठंडे ठंडे आराम से जीवन बीत रहा था उनका। संतोषी सदा दुखी भरा पूरा परिवार था उनका। 3 या 4 बेटे, 2 बेटियां, नाती पोते क्या नहीं था। 60 के दशक तक पूर्वार्ध तक मैंने उन्हें देखा। तत्पश्चात मेरे पिताश्री का होशंगाबाद स्थानांतरण हो गया नगरांतर के कारण। उसके बाद क्या हुआ कह पाना संभव नहीं, पर हाँ एक बात जरूर है, उनके वंशज मालामाल नहीं तो तंगहाल भी नहीं थे। उनके बाद उनके बड़े सारे मकान को लोग एक भव्य यादगार के रूप में देखते थे। 90 के दशक अंत तक वह खंडर हो चला मकान भी करोड़ों में बिका। शहर के पुराने जानकार लोग या आज के भी उनके जमाने के लोग जो जिंदा हैं, उन्हें एक आदर्श डॉक्टर के तौर पर याद रखते हैं। मेरी यादों का डॉक्टर बद्री प्रसाद को श्रद्धा सुमन। नमस्कार। मेरे इस पूरे कहानी संग्रह के बनाने के, लिखने के और प्रकाशन के दौरान मुझे जिन जिन लोगों से सहयोग मिला मैं सबका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ संतोष जी चौबे जी का, महीप निगम का, मनोज वर्मा जी का, जिन्होंने इस के प्रकाशन में मेरी सहायता की। मैं आभारी हूँ जया शर्मा केतकी जी का, जिन्होंने इसका संपादन किया और 2 बार बहुत ही गहन अध्ययन के बाद मेरे को इसकी गलतियां बताई और मुझे गाइड किया। मैं आभारी हूँ गोकुल सोनी जी का और कांता जी का, जिन्होंने मेरी पुस्तक के ऊपर अपनी चर्चा करने के लिए सहमति दी। मैं आभारी हूँ घनश्याम जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आपके संचालन करना स्वीकार किया। उसके साथ ही मैं श्रद्धा सुमन मेरे उनको भी समर्पित हैं, जिनको मैंने इस पूरे सत्य कहानी संग्रह में अपने पात्रों के तौर पर शामिल किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जैसा कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने अभी अपना संस्मरण एक सुनाया और आपने ये देखा होगा कि किस तरह से डॉक्टर बद्री प्रसाद, उसका नाम भी डॉक्टर साहब था। जी जी जी, डॉक्टर बद्री प्रसाद जी के माध्यम से सर हमने ये देखा कि बैलगाड़ी में मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर साहब साइकिल से जा रहे हैं, और भोपाल का जो आपने कपड़ा मिल और पुट्ठा मिल का जिस तरह से जिक्र किया पुराने भोपाल का, वो कितने लोग सहज रूप से पटरी पे बैठे हैं और किस तरह का आज तामझाम और हम देखते हैं, मतलब कितना समय बदल रहा है। तो जैसा कि आदरणीय पंत जी ने इस पुस्तक में लिखा कि ऐसी चीजों की आज हमें बहुत जरूरत है, भले ही हमारे ये कथेतर साहित्य के अंतर्गत और कथा के मूल ढांचे से अलग लिख के सर ने इस तरह की बातें लिखी हूँ, क्योंकि सर की इसके पहले कामयाब सफरनामा पुस्तक आई है जीवनी संस्मरण, जिसमें उन्होंने सेना के जो अफसर उनके जीवन में आए हैं, जो मित्र आए हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा प्रतीक्षालय उनका कविता संग्रह है और सर का मैंने देखा, और अभी पिछले दिनों आदरणीय चौबे जी को हिंदी भवन में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ चाणक्य के दांत लघु कथा संग्रह आया,
और एक चिकित्सा सेवा कोर के एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहते हुए, जैसा कि हम कहते हैं कि सेना का व्यक्ति बड़ा रूट किस्म का होता है, बड़ा शुष्क किस्म का और अनुशासन में जीता है और उसके लिए संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि चिकित्सा व्यवसाय के साथ ही साहित्य में भी उतनी ही अभिरुचि, कम से कम सेवानिवृत्ति की बात ले रहे हैं। वे एक्स मैन नाम से पत्रिका का भी संपादन उन्होंने लंबे समय तक किया, वो पत्रिका भी मैंने सर की देखी है और वे निरंतर इस समय साहित्य सृजन में लगे हैं। उनको बहुत बहुत इस कृति के लिए धन्यवाद, और इस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित ही एक अलग दुनिया की हमें सैर कराती है। तो मित्रों, इस किताब के बारे में मैं चाहूंगा कि महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए हमारे बीच में कांता राय जी उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कांता राय जी पिछले कुछ समय से निरंतर बहुत तेजी से सक्रिय हैं और लगातार काम कर रही हैं। हिंदी भवन जो हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व को भी देख रही हैं, साथ में लघु कथा शोध केंद्र का काम भी देख रही हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि घाट पर ठहराव कहाँ, पथ का चुनाव, अस्तित्व की यात्रा, उनके लघु कथा एकल लघु कथा संकलन जहाँ आए हैं। पर इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि लघु कथा के ऊपर उन्होंने इस बीच कई महत्वपूर्ण संकलन उनका संपादन किया है, समीक्षा के लिए लघु कथा के लिए जो काम हुए वो किए हैं, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक लघु कथा पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण आयोजन कर रहे हैं। और ये पिछले समय अगर लॉकडाउन को छोड़ दें तो हमने विश्व रंग के अंतर्गत भी लघु कथा शोध केंद्र की तरफ से एक आयोजन किया था, प्रथम आयोजन वो भोपाल में किया था, फिर उसके बाद जब विश्व रंग हुआ तो निरंतर ये श्रृंखला चली। तो इस तरह से कांता राय जी लघु कथा के साथ कविता और समीक्षा में भी दखल रखती हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ कांता राय जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और इस पुस्तक के बारे में अपने विचार रखें। कांता राय जी, धन्यवाद। मैथिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, ठीक है। धन्यवाद मैथिल जी। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में बनमाली सृजन पीठ भोपाल की प्रतिष्ठा आयोजन आईसेट पब्लिकेशन द्वारा वरिष्ठ लेखक कर्नल गिरजेश सक्सेना जी की नवीन प्रकाशित पुस्तक सत्य तथ्य कथ्य का लोकार्पण एवं कहानी पाठ के अंतर्गत अध्यक्षता कर रहे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री संतोष चौबे जी, प्रमुख वक्ता श्री मुकेश वर्मा जी, श्रीमती जया केतकी जी, मेरे सहयोगी साथी श्री गोकुल सोनी जी और मंच का संचालन कर रहे श्री घनश्याम मैथिल अमृत जी सहित इस वेबिनार के संयोजक, आयोजक और उपस्थित सभी आदरणीय जनों का मैं अभिनंदन करती हूँ। सत्य तथ्य कथ्य, क्या कहूं, जीवन के दुर्दांत क्षणों में भी सकारात्मक सोच लिए हमेशा खुश रहने वाले कर्नल डॉक्टर गिरजेश सक्सेना के व्यक्तित्व को किसी एक पैरामीटर में बांधा नहीं जा सकता है। वे अपने आप में यूनिक हैं। 23 मार्च 1947 को जन्मे गिरजेश जी की यह दास्तान सन 2020 तक आते आते 73 साल में मानव धर्म एवं सामाजिक सरोकारों का सत्य तथ्य कथ्य के रूप में एक कृति बन जाती है, अर्थात यह एक पूरे युग की कहानी संग्रह है। लेखक का अपने शहर से अत्यंत लगाव का होना इस पुस्तक के प्रयोजन के मूल में है। लेखक अपने जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी स्मृतियों को लिपिबद्ध करना चाहता है। यह पुस्तक उस शिला लेख की तरह है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ना चाहेंगी। शहर की उन्नति से हुए फायदे और नुकसान का विश्लेषण भी रचनाओं के माध्यम से यह पुस्तक कराती है। सत्य तथ्य कथ्य आधुनिक हिंदी कहानी से वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने जैसा लगता है। किस्सा गोई परंपरा को यह नई दिशा देती प्रतीत होती है। पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कहने और सुनने वाला दोनों आमने सामने बैठे हैं।
भोपाल के वास्तविक जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली पुस्तक या अपने तरह की एक अलग पुस्तक है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि इस पुस्तक में आधुनिक जीवन की 32 प्रेरक प्रसंग हैं, जिसमें शहर के प्रति लगाव, बदलाव और विसंगतियों पर गहरा चिंतन सामने उभर कर आता है। इस किताब को लिखने के पीछे सुखद स्मृतियों का मुख्य रूप से हाथ रहा है। मानवीयता से ओतप्रोत लेखक द्वारा उन ऐतिहासिक दिनों का स्मरण करना कराना पुनीत कार्य है। लेखक अपने स्मृतियों में बसे संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को इन रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से अंचल की महक, भोपाली लहजा, पंजाबी पुट संवादों में पंजाबी पुट रचनाओं का सौंदर्य बढ़ाता है। शब्दों में लोक भाषा का पुट पाठकों के हृदय में संचरण करने की शक्ति रखता है। जीवन के स्पंदन से पाठक मन आनंद से विभोर हो उठता है, एक आलोक सा छा जाता है। यह जो गहन अनुभूति है, रस है, यही इस पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ाती है। कहानी या संस्मरण, एक प्रश्न इस पुस्तक पर उठाया जा सकता है, क्योंकि इस पुस्तक की कहानियां कल्पित नहीं, वास्तविक जीवन का हिस्सा है। जीवन की वे सभी घटनाएं जिनका असर तमाम उम्र लेखक के जेहन में बना रहा, वे सभी जीवित प्राणियों के समान इस किताब में टहल रहे हैं। वे टहलते हुए कभी गुनगा के उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां मां सब रहते हैं। कौन मां सब? अरे इसके लिए तो आपको सत्य तथ्य और कथ्य कहानी संग्रह पढ़ना होगा। इस पुस्तक को पढ़कर आप भोपाल की गलियों, चौराहों और मीनारों मंजिलों को ही नहीं, बल्कि नवाबों और बेगमों के मिजाज को भी समझ पाएंगे। अब इन वाक्यों से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं भोपाल हूँ, कोई 250 साल की उम्र और इतिहास का कद्दावर शहर, राजा भोज से और कमलावती और नवाब दोस्त मोहम्मद से, नवाब हमीदुल्ला, आजादी के बाद चीफ कमिश्नर और अनेक गवर्नरों और मुख्यमंत्रियों की ताब झेलता। जब हम त्रिताल नामा पढ़ते हैं, मैं लाल घाटी हूँ पढ़ते हैं, जब कहानी बस स्टैंड की पढ़ते हैं, तब एहसास होता है कि लेखक अपने शहर से कितना प्यार करते हैं। सच कहूँ तो भोपाल की बाशिंदा होने के कारण पढ़ते हुए इस पुस्तक को अपनेपन सा भाव उमड़ता है। भोपाल शहर मात्र नहीं है, वह अब किरदार के रूप में हमसे अपने मन की बात कहना चाहता है। बदलाव कहाँ और कितना उसके गर्व का कारण बनता है और कहाँ और कितना उसने खोया है, इसका दर्द टीसता भी नजर आता है। वह अपने अतीत के साथ पूरी जिंदा दिली से इस पुस्तक में मौजूद है। भोपाल शहर का मिजाज, उसकी विशेषताओं को भारतीय हूँ भूमिपुत्र नहीं जैसी रचनाओं में सामने आता है। बचपन के मां साहब, मकबूल चाचा, डॉक्टर साहब जैसी कहानियों का विस्तार अपने सामाजिक दायित्व के बोध से परिपूर्ण है। साडा रबी औखा का डागदरी पढ़ी है तोने, उम्मीदों का व्यापारी वो लम्हे, डॉक्टर के मनोभावों का वर्णन है। छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से अपने शहर के उन सभी खास जगहों का वर्णन करते हुए चित्रात्मक प्रस्तुति दी है। बरसों बाद कर्तव्य, कच्ची खिचड़ी और बर्फ में लाशें, दैनिक जीवन की दुश्वारियों, सैनिक जीवन की कथा व्यथा, सदाचार सदा विजयते उसूलों की कहानी है। जाको राखे साइयां, मौत से दो दो हाथ करते सिपाहियों, महक से सजी एक मासूम कहानी, संतोष ने बेहद प्रभावित किया है। बिब्बी बोली, पुत्र
मैं औख्या गोडिया जे पीड़ होंदी है तुसी उत्थे ते टुट्टी लाई नहीं चंगी तरह देख्या। डॉक्टर ने महिला को बिठाकर झूठी मुठी आला लगाया। निश्चित रूप से यह सच्ची घटना ही है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से रचना उतरी हुई प्रतीत होती है। वक्त बादशाह है कुर्सी की कहानी है। इस तरह से हम देखते हैं कि आपकी सभी कहानियां दिल से लिखी गई हैं, और इसी कारण जब पाठक इसको पढ़ता है तो वो सभी पाठक के दिल तक पहुंचती हैं। आपकी पुस्तक में रचनाओं को किस विधा में कैटेगराइजेशन किया जाए, ये विषय और प्रश्न विद्वानों के लिए है। सामान्य पाठक इसे पढ़ते हुए अपने जीवन के बेहद करीब पाएगा। यह इस पुस्तक में संकलित रचनाओं की क्षमता है, और यही बातें सत्य तथ्य कथ्य को सफल बनाता है। भोपाल विश्व में कौतूहल का विषय रहा है। यहाँ बेगम बेगमों का राज रहा है। राजा भोज से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व है। विश्व इसके बारे में जानना चाहता है, और यह किताब भोपाल को जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत लंबी चौड़ी लिख ली है क्योंकि मैं भावनाओं में बह गई थी इस किताब को पढ़ते हुए, और मैंने लिख दिए हैं 6-7 पन्ने, और मुझे समय का ध्यान है, और आप सबने इस किताब को पढ़ी है और इसी तरह के मनोभाव इस किताब को लेके मेरे मन में है कि ये किताब ऐसा है जैसे वो कोई कथा सुनाता है। हम बचपन से नानी दादी से जो उनकी स्मृतियां सुनते थे, बाबा पिताजी अपने बाबा के कारनामे सुनाते थे। बाबा मुख्तार हुआ करते थे गांव के, तो उन्होंने अपनी मुख्तारियत में कौन कौन से कारनामे किए थे तो वो सुनाया करते थे। तो ऐसा लग रहा था किताब को पढ़ते हुए कि गिरजेश जी बैठे हुए हैं और अपनी जो चीजें हैं वो हमें सुना रहे हैं। तो वो एक जो पारंपरिक जो कहानी सुनाने की जो एक परंपरा है वो इस किताब में ऐसा लगता है कि हम फिर से पुराने जड़ों की ओर लौट रहे हैं। और मैं इतना ही कह के विराम लेना चाहूंगी, बाकी लिखत में मैं गिरजेश जी को ये पूरी समीक्षा दूंगी। आभार, बहुत बहुत बधाई इस किताब के लिए गिरजेश। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये कृति के बारे में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आलोचक चाहे जो दृष्टि रखें उनको संस्मरणों के नजदीक ले जाएं, उन्हें कहानी के फॉर्मेट से अलग कहें, पर आपने एक बात कह दी इसमें कि इसमें जो कुछ भी है वो कल्पित नहीं है, वास्तविक जीवन के नजदीक है, और हमारे बुद्धिजीवी चाहे जो जिस दृष्टि से देखें पर आम पाठकों का इसको स्नेह मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक जुड़ाव है, एक आत्मीयता, एक अपनेपन की अनुभूति है कि जैसे हम अपने आपने कहा दादा नाना हमारे उनसे जो वरिष्ठ लोगों से घर में सुनते आए हैं, तो इस तरह से, और जैसा कि किताब का नाम ही है सत्य है वो तथ्य है और वही इसका कथ्य है जैसा कि किताब है। बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और अब मैं इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। मित्रों हमारे बीच में है श्री गोकुल सोनी जी, जैसा कि आप जानते हैं आज बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में गोकुल सोनी जी काम कर रहे हैं, लघु कथा शोध केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, गीत कविता कहानी लघु कथा सब समीक्षा सभी विविध विषयों में लिखते हैं, मंच संचालन भी करते हैं। खासतौर से एक व्यंग लेखक के रूप में उनकी मूल विधा के रूप में पहचान है, और जैसा कि आप जानते हैं कि छींटे और बौछार बगुले संत हो गए जो उनने व्यंग कविता संग्रह लिखा है, और पिछले दिनों गोविंद नामदेव जी जो प्रख्यात हमारे फिल्म दुनिया के अदाकार हैं वे नायक हैं वे आए थे गोविंद नामदेव जी, और उन्होंने हिंदी भवन में महादेवी वर्मा कक्ष में उनकी कटघरे में हम सब कहानी संग्रह का लोकार्पण किया था। वर्तमान समय में वे सचिव का दायित्व देख रहे हैं कला मंदिर भोपाल का, मध्य प्रदेश लेखक संघ के भी सक्रिय सदस्य हैं, निरंतर वे सभी आयोजनों में हमें दिखाई देते हैं। ऐसे समय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्री गोकुल सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि वे डॉक्टर गिरजेश सक्सेना जी की इस कृति सत्य कथ्य को किस दृष्टि से देखते हैं, आए गोकुल सोनी जी और अपनी बात रखें। सत्य तथ्य कथ्य, आदरणीय गोकुल सोनी जी।
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष परम आदरणीय सुदेश चौबे जी, आज के दिन में अर्थात के तारीख के लेकर वॉल्यूम बढ़ा लीजिए सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा बढ़ाइए वॉल्यूम अपना। आप अपना जो आपका माइक्रोफोन थोड़ा पास करिए अपने मुंह के, या अपना कंप्यूटर का ऑडियो लेवल बढ़ाइए सर प्लीज। नहीं सर बिल्कुल आप ऑडियबल नहीं हो पा रहे हैं अभी आपके कंप्यूटर से। हेडफोन हटा दीजिए, हेडफोन हटा दीजिए, सीधे डिवाइस में बोलिए। गोकुल जी डायरेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट। हाँ गोकुल जी तो वेबिनार अपने एक्सपर्ट हैं, निरंतर आयोजनों में भाग लेते हैं, पता नहीं क्या व्यवधान आ रहा है। गोकुल जी डायरेक्ट कर लीजिए, उस कनेक्टिविटी हटा दीजिए उस। सीधा भी बोले तो डिस्कनेक्ट करके मोबाइल से ज्वाइन कर लीजिए, आप रीजॉइन कर लीजिए गोकुल जी, रीजॉइन कर लीजिए जी। अभी लगता है उनसे संपर्क ही समाप्त हो गया है, पहले आवाज कम आ रही थी, अभी तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा, उनको हमारी आवाज भी नहीं पहुंच रही शायद। रीजॉइन कर लीजिए आप, रीजॉइन कर लीजिए। इशू हो रहा है सर, कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है इनके साथ में, थोड़ा सा फोन लगाएं क्या सर? फोन लगा देते हैं। कांता जी फोन लगा दीजिए उनको, फोन लगा दीजिए गोकुल जी को, कॉल करिए उनको, समझ नहीं आ रहा। हाँ दिखाई दिए, आवाज नहीं आ रही। घनश्याम जी उनके जो माइक्रो जिनका जो हेडफोन है उसका जैक भी थोड़ा सा ढीला हो सकता है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। वो बोलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइट करने का बोलिए प्लीज उनको थोड़ा सा। उनका माइक म्यूट दिख रहा है, देखिए हेलो गोकुल जी आप सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। रीजॉइन करेंगे तो हो जाएगा, कॉल कर दें उनको। हम लोग घनश्याम जी अगले वक्ता को आमंत्रित कर लें जी, जी तब तक इनको काम कर लेने में। चलिए ठीक है सर, मैं कॉल लगा रहा हूँ इनको, बात करता हूँ। उनको म्यूट कर दो और अगले वक्ता को आमंत्रित कर लो। जी 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 ठीक है सर। मित्रों जैसा कि हम जानते हैं हमको ये विगत दिनों जो लॉकडाउन हुआ है वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए, तो हम तकनीक के द्वारा जिस तरह से हम वेबिनार आयोजन कर रहे हैं, हम जो प्रत्यक्ष रूप से मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे हैं, उसके जो हमें लाभ हुए हैं कि हम अपने अभी तक स्थानीय स्तर पर अपने शहर के वक्ताओं को आमंत्रित करते थे, अब हमें ये लाभ है कि हम चाहें जैसे कि अभी हम देख रहे हैं टैगोर विश्वविद्यालय के द्वारा जो आयोजन किए जाते हैं उसमें प्राय हम वैश्विक स्तर पे सुन पाते हैं लोगों को बाहर भी, ये हमको एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। आगे भी हम जो प्रत्यक्ष आयोजन करेंगे उसमें से हमें ये लाभ हुआ है, पर साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत है, कभी नेट चले कमजोर हो जाए
या कभी लाइट की कोई दिक्कत आ जाए, या अभी जैसे गोकुल जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये इसका एक दूसरा भी पक्ष है। तो मित्रों, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक और वक्ता के रूप में हमारे बीच में जया केतकी शर्मा जी मौजूद हैं। मित्रों, जैसा कि जानते हैं, पिछले दिनों उनका बोधि प्रकाशन से मेरी चुनिंदा कहानियां एक महत्वपूर्ण कथा संग्रह आया था जो काफी चर्चित रहा। साथ ही उनका एक कविता संग्रह भी शीघ्र ही आपके हाथों में होगा। वे प्रांतीय अध्यक्ष हैं विश्व मैत्री मंच, जो लगातार काम करता रहता है साहित्यकारों के बीच में, और साथ ही साहित्य अकादमी की पत्रिका साक्षात्कार में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, और वर्तमान समय में आप हिंदी भवन से जुड़ी हैं और अक्षरा का संपादन सहयोग कर रही हैं। सभी विविध विषयों में निरंतर लेख, कविता, कहानी, रिपोर्टार्ज और कार्यक्रमों का संचालन और विविध कृतियों के संपादन में आपका दखल है। मैं ऐसी अपने समय की महत्वपूर्ण रचनाकार जया केतकी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे आज लोकार्पित हुई कृति सत्य तथ्य कथ्य के ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय जया केतकी शर्मा। धन्यवाद घनश्याम जी। ऑडिबल हूं मैं, सुनाई दे रही हूं? जी 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 जी। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसा मपि मंगला नाम च करता रहो वंदे वाणी विनायको। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करती हूँ और सभी अग्रजों को प्रणाम करती हूँ और अपने समकक्षों का सादर अभिवादन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सत्य तथ्य कथ्य पर आज चर्चा कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं। हेलो, गोकुल सोनी जी आ गए हैं। हेलो गोकुल जी, आपकी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज क्या? आ रही है प्लीज। हाँ जी, आवाज आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सोनी जी। अभी जया जी अपना वक्तव्य दे रही हैं, फिर इसके बाद आप दीजिएगा। ठीक है ओके ओके जी जी। हाँ जया जी, कंटिन्यू रखिए जी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी आज के उत्सव पुरुष कर्नल डॉक्टर गिरिजेश सक्सेना जी को, कि जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारी किताबें लिखी। हमने उनका लघु कथा शतक भी पढ़ा, जो कहानियां लघु कथाओं से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से उनके रचना क्रम को हम निरंतर रेखांकित करते चल रहे हैं। उनका हमने रचना पाठ भी सुना, ऑनलाइन भी हमने कई रचना पाठ उनके सुने। अभी लघु कथा केंद्र के द्वारा ही दो कार्यक्रम हिंदी भवन से आयोजित किए गए, उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया और निरंतर ही उनका चेहरा लेखकों में शुमार होता जा रहा है। उनका जो कार्य है वह अपनी जगह है, सेना का कार्य था वह अपनी जगह था, लेकिन लेखन जो उनका अभी नया काम है उसका हमें नया ही नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। मित्रों, जब मेरे पास यह पुस्तक आई तो मैंने उस पुस्तक को देखकर यह जाना कि एक सैनिक के ऊपर पूरी दुनिया किस तरह से रहती है। उनके एक एक संस्मरण को पहली दृष्टि में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं इसे कैसे एक उस रूप में लाऊं कि सभी इसके पाठक बन सकें, ये पाठकों तक पहुंच सके। इतने रुचिकर थे वे संस्मरण, लेकिन बस उसमें एक ही त्रुटि मुझे नजर आई कि जो भाषा और व्याकरण की त्रुटि थी, जैसा गिरिजेश जी ने स्वयं कहा कि वो मुझे दिखाई दी, परंतु फिर भी मैंने ये स्वीकार किया कि मैं इन्हें जरूर पढ़ूंगी। मैंने अपने काम से समय निकाल निकाल कर शनिवार और इतवार का दिन दे दे के उसको किसी तरह से संशोधित किया और सर को फिर बताया कि सर इस तरह से इसका हमको एक पुनर्पाठ तैयार करना पड़ेगा, इसको फिर से आप इसको टाइप करवाइए और फिर मुझे दीजिए तो मैं इसको एक बार और पढ़ूंगी। फिर सुधार के बाद जब ये मेरे पास पुस्तक आई तो उसमें जो छोटी मोटी गलतियां मुझे दिखाई दी वो मैंने उनको सुधारा और जो पुस्तक अब हमारे सामने है वह सत्य तथ्य और कथ्य ही है। अमूमन हमने जो संस्मरण पढ़े हैं, क्योंकि मैं दो पुस्तकों में, दो पत्रिकाओं में काफी समय से संपादन का काम देख रही हूँ, तो संस्मरण काफ़ी बड़े बड़े आते हैं हमारे पास छपने के लिए। और बहुत बड़े जब संस्मरण आते हैं तो हमें उसको बहुत ज़्यादा संपादित करना पड़ता है। क्योंकि पाठक की उतनी रुचि नहीं रहती है
किसी एक क्षेत्र की बात को, यदि किसी एक क्षेत्र की जब हम भौगोलिक स्तर की बात करते हैं तो वो जब सीमा से ज्यादा विस्तार ले लेता है तो उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ने लगता है और पाठक की रुचि घट जाती है। और इन संस्मरणों में यही खासियत है कि इनको गिरजेश जी ने रुचिकर भी बना के रखा है। जैसा कि हम अभी कांता जी भी कह रही थी और मैंने अभी पढ़ा कि जो दादा ने कैलाश चंद्र पंत जी ने और मुकेश वर्मा जी ने और महेश सक्सेना जी ने, यानी ये विद्वान त्रयी ने जो इसमें आगे अपने विचार रखे हैं, अभिमत, स्वकथन, भूमिका, जो भी हम कहें इसे, उसमें भी उन्होंने यही चर्चा की है कि इसे हम कहानी भी कह सकते थे, कहानी संग्रह भी हो सकता था, किंतु यह संस्मरण इसलिए कहा जा रहा है कि जो कहानी में अपन देखते हैं कि कथानक होता है, शिल्प होता है, कहन होती है और बस उसी से मिलता जुलता इनका स्वरूप है, लेकिन ये पूरी तरह से कहानी ना होकर संस्मरण कहे जा रहे हैं। इस पुस्तक के पूरे विस्तार में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं उतना समीक्षक की दृष्टि से नहीं अपने विचार रख पाऊंगी। मैं इस दृष्टि से रखूंगी, पाठक की दृष्टि से, कि मैंने उसको पढ़ने में क्या क्या महसूस किया, उस दृष्टि से मैं अपने विचार रखना चाहूंगी। तो मैंने जो देखा कि इसमें ऐसी रचनाएं हैं जिनमें संघर्ष, पीड़ा, विधिविशा एक इस तरह से पाठक के पास पहुंचती कि उसे लगने लगता है कि ये उसकी ही जीवन की साक्षी है। इस तरह से इसमें उन्होंने इन घटनाओं को रखा है। जैसे कि कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूंगी कि बहुत कुछ बातें तो जो कहनी थी वो अभी आ चुकी हैं। जैसे 132 पृष्ठीय पुस्तक में जो 32 संस्मरण है वे भोपाल के ही नहीं है, उन सभी जगहों के हैं जहाँ गिरजेश जी ने कार्य किया है। जैसे पंजाब का जो संस्मरण है, उनका जो पंजाब का संस्मरण पंजाब के क्षेत्र में जब वो कार्यरत थे उस समय का है। और केवल हमें ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने संस्मरण में वहाँ की घटनाओं की जानकारी दी है, उनके साथ जो घटी या आसपास घटी, उन्होंने उसकी भौगोलिक सीमा को भी बताया। जैसे सिक्किम की बात मैं करूंगी, सिक्किम जो कच्ची खिचड़ी और भारत में लाशें, ये जो बात कर रही थी कांता जी की, एक संस्मरण है, बहुत ही दिल को छू देने वाला संस्मरण है। इसमें हम देखते हैं कि एक वाक्य है जो भौगोलिक सीमा है वहां की, सिक्किम की, उसकी भी पूरी जानकारी मिलती है। यानी इससे हम ये जानते हैं कि केवल उन्होंने भावनाओं को और संस्मरणों को याद नहीं रखा है, स्थान के परिवेश को भी उन्होंने दिया। जैसे हम लाल घाटी की अभी बात कर रही थी कांता जी, मैं लाल घाटी हूँ, और जो हमारा आपका बस स्टैंड का संस्मरण है, और यहाँ के नवाबों की जो बातें हैं, ये सारी हमारे भौगोलिक परिवेश को बताती। त्रिताल नामा है, भोपाल के भौगोलिक परिवेश को बहुत ज्यादा बताता है। संस्मरण तो है ही, वह अपनी जगह उससे जुड़ी बातें हैं, लेकिन जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को बहुत जानकारी देने से संबंधित है ये पुस्तक। और आगे बात करूंगी मैं कि जो भावनात्मक सहजता और पारिवारिक परिवेश, इस पुस्तक के 45वें पृष्ठ पर मैंने जो पढ़ा है वो लम्हे, उसमें है कि भैया अम्मा मर जाएगी, इसके अंतर्गत उनके पिता का एक वाक्य है, खाना इंतजार कर सकता है, मरीज की जान नहीं। देखिए, मतलब पारिवारिक परिवेश भी उनको वैसा मिला कि जहाँ पर पहले जीवन, पहले आपका जो बीमार है उसको देखिए, अपने भोजन तो एक टाइम नहीं किया, कोई बात नहीं है, ये उनको पारिवारिक परिवेश मिला इस तरह का। ऐसी बहुत से मतलब बातें हैं जिनको विस्तार से कहा जा सकता है। पंजाबी की बात करूंगी कि सर की भाषा में जो मिठास है उसमें पंजाबी के बीच बीच में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। और जो एक संस्मरण है 65 पृष्ठ पर है गिरजेश जी का,
कि कब कहां और किन शब्दों का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक रचनाकार के संस्मरण में आपने देखा होगा कि उसके पेशे की बातें, उसके घर गृहस्थी की बातें, सामान्य घटनाएं सभी शामिल होती हैं। और इनके किस्से में भी यही हुआ है, अस्पताल से जुड़ी, बीमार से जुड़ी बातें ज़्यादातर शामिल हुई हैं। डॉक्टरी के ज़्यादातर संस्मरण इसमें मिलते हैं। एक जो विदेश का संस्मरण है उसकी बात यहाँ जरूर करना चाहूँगी। वहाँ के चुनाव, जो आपने लिखा है संस्मरण कि आप अपनी बेटी के पास गए थे और उस समय जब बेटी अपनी चुनाव में वोट डालने जा रही थी तो आपको भी साथ में ले गई थी और आपने वहाँ की जो चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया है वो हमारे सभी पाठकों को अवश्य पढ़ना चाहिए और सत्य तथ्य कथ्य के माध्यम से ही वे इसको जान पाएंगे। तो मित्रों, बातें तो बहुत सी हैं जो काफ़ी की जा सकती हैं, एक एक संस्मरण को उठाकर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। सभी का बहुत बहुत आभार, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमें इसमें उपस्थित होने का समय दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी। जैसा कि आपने इस कृति को, मैं समझता हूँ जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने न सिर्फ ध्यान से पढ़ा है बल्कि इस किताब पर कुछ काम करने का भी आपको अवसर मिला है। और जैसा कि आपने बताया कि हमें ना सिर्फ यह केवल भोपाल शहर से ही परिचित करवाती है इसके भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण से, बल्कि डॉक्टर साहब जहाँ जा रहे हैं वो खासतौर से जिस तरह की उन्होंने भाषा का इसमें प्रयोग किया है, तो निश्चित ही ये संस्मरण बड़े रोचक बन पड़े हैं और हर संस्मरण से हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने को भी मिलता है। और निश्चित रूप से जैसा कांता जी ने भी कहा था कि हम इनको पढ़ते हुए कहीं ना कहीं एक डूब से जाते हैं, अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसा कि किस्सा गोई जिसे कहा करते हैं कि हमारे सामने कर्नल साहब बैठे हुए हैं और किस्से चल रहे हैं अपने के, भाई मैं बताता हूँ अपने जीवन के बारे में। तो वो निश्चित रूप से ऐसे इस तरह की बातों में बनावटीपन नहीं रहता है और एक जो जीवन की वास्तविकता रहती है तो बहुत, जो और जब कहने का ढंग थोड़ा रोचक हो तो वो फिर आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस कृति के बारे में अपनी बात रखी। और मित्रों, जैसा कि हम तकनीकी व्यवधान के कारण गोकुल सोनी जी को नहीं सुन पाए थे, निश्चित ही रूप से वे आजकल पुस्तकों के ऊपर जो अपने समीक्षात्मक टिप्पणियां दे रहे हैं, हम निरंतर उन पर दृष्टि बनाए हुए हैं। श्री गोकुल सोनी जी आए और इस कृति के बारे में अपनी बात रखें। गोकुल सोनी जी आइए। सोनी जी, सर आपका माइक अनम्यूट करिए। सर आपका माइक अनम्यूट करिए। गोकुल जी, गोकुल जी आपका माइक अनम्यूट करिए प्लीज। आज के दूल्हे अर्थात डॉक्टर गिरिजेश सक्सेना जी, श्री मुकेश वर्मा जी, कांता जी, जया केतकी जी, महीप जी और उनकी टीम, संचालन कर रहे भाई घनश्याम मैथिल अमृत जी और सभी सहभागी साहित्यकार बंधु, मैंने डॉक्टर साहब की किताब को पढ़ा और जैसा महसूस किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब जीवन की अनुभूतियों को सत्य का अनुपालन करते हुए जिया जाए और उनके समूचे तथ्य को ईमानदारी के रूप में, ईमानदारी से पाठकों के सामने परोसने का प्रयास हो, तो सत्य तथ्य और कथ्य जैसी कहानी संग्रह जन्म लेता है। यूं तो पुस्तक का नाम पढ़कर प्रथमतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह कहानी संग्रह ना होकर कोई अन्वेषण युक्त अपराध कथाओं का संग्रह हो, परंतु जैसे जैसे हम पुस्तक के साथ अपनी वैचारिक यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं, शीर्षक से सहमत होते जाते हैं। संग्रह में कुल जमा 32 कहानियां हैं, जो कहानियां नहीं
बल्कि संस्मरण के अधिक करीब है, क्योंकि यहां भोगे हुए यथार्थ को ज्यों का त्यों परोस दिया गया है। संग्रह की प्रथम रचना बबभा जान पर खेल गई बताती है कि हम भारतीय अपने जीवन के अस्तित्व को अपने प्रिय से संबद्ध कर लेते हैं। दादी नानी की कहानियों में भी होता था कि एक राजा था, उसके प्राण तोते में रहते थे, तोते की गर्दन मरोड़ दी तो राजा मर गया। इसी तरह की भावनाएं विदेशी साहित्य में भी देखी जा सकती हैं। ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ में बीमार नायिका सोचती है कि यदि खिड़की के सामने वाली दीवार पर टंगी हरी बेल की सूखी पत्तियां गिर गईं तो मैं मर जाऊंगी। इस संस्मरण में भी लेखक को रात्रि में सीवियर अटैक आता है, ठीक उसी समय पलंग के नीचे लेटी अत्यंत प्रिय कुतिया की जान चली जाती है। तब लगता है कि कुतिया इतनी वफादार थी कि उसने अपने मालिक पर आए प्राणों के संकट को बलिदान देकर अपने मालिक को बचा लिया। उस प्रिय कुतिया की मूर्ति आज भी लेखक के पूजाघर में है। मुगल काल में भोपाल के उत्कर्ष और विकास से रूबरू कराती है त्रितालनामा, जिसमें तालाबों का निर्माण और महलों के इतिहास को बखूबी दर्शाया गया है। मासाब एक सत्य आधारित घटना में एक शिक्षक का आत्मीय शिक्षादान और ग्रामवासियों का सौहार्दपूर्ण प्रचुर प्रतिदान बताता है कि आज भी अच्छे लोगों की समाज में कमी नहीं है। मैं लाल घाटी हूं, मैं लाल घाटी के रक्त रंजित इतिहास की गाथा है, जिसमें बताया गया है कि राजा सरीना सिंह के पुत्र को दोस्त मोहम्मद खान द्वारा हलाल करके हलालपुर और सेना के खून से घाटी को लाल करके लाल घाटी का नामकरण हुआ। लाल घाटी कहती है कि अब मैं खुश हूं क्योंकि मेरे ऊपर बना ग्रेड सेपरेटर लोगों को सुख पहुंचाकर मुझे अतीत के श्राप से मुक्त कर रहा है। कहानी बस स्टैंड की मैं भोपाल के जगह जगह किए गए बस स्टैंड के स्थानांतर का इतिहास और उससे उत्पन्न गंदगी और कबाड़ की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मकसूद चाचा एक रोचक संस्मरण है, जिसमें भूखे प्यासे ठाकुर राम सिंह को मकसूद मियां बनाने और मरणोपरांत शरीर का क्या होगा, जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, इस चिंता से निजात दिलाते हुए श्री सक्सेना जी सलाह देते हैं कि मरणोपरांत शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दीजिएगा, इससे इल्म की रोशनी फैलेगी। एक अच्छे और आदर्श चिकित्सक को कैसा होना चाहिए बताता है संस्मरण डॉक्टर साहब। अनपढ़ मरीज का मनोविज्ञान देखने को मिलता है संतोष में, जिसमें मरीज महिला करती है कि दर्द घुटने में है, आपने वहां आला लगाकर तो जांच ही नहीं की, फिर आप कहे के डॉक्टर। भारतीय हूं भूमि पुत्र नहीं रचना में एक देश के रक्षक और उसके परिवार के साथ शैक्षणिक संस्थान किस तरह अन्याय और भेदभाव करते हैं उसकी मार्मिक व्यथा है। उम्मीदों का व्यापारी में डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोगों पर मजाकिया भाषा में बड़ा सुंदर व्यंग रचा गया है बकौल लेखक के, जन्म मरण तो ईश्वर के हाथ में होता है, परंतु डॉक्टर बड़े आत्मविश्वास के साथ उम्मीदें बेचता है मरीज से यह कहकर कि तुमको कुछ भी होगा, तुमको कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। इस तरह डॉक्टर गिरिजेश सक्सेना ने खुद को और अपने हम पेशा लोगों को भी नहीं बख्शा। इसका एक चुटीला वाक्य देखें, बतौर डॉक्टर पहली फुर्सत में मरीज को उसका हाल उसकी औकात बता देता हूं, मरीज की मर्जी कि मेरे साथ रहे ना रहे, फिर खुदा की मर्जी कि मरीज दुनिया में रहे ना रहे। बरसों बाद संस्मरण बताता है कि किया हुआ पुण्य कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, जब कोई मरीज डॉक्टर की दिन रात की मेहनत के बाद भी जीवित नहीं बचता है तो एक संवेदनशील डॉक्टर का मन भी रोता है। रचना साड्डा रब्बी औखा बताती है कि मरीज की मृत्यु के उपरांत परिजनों को इसकी सूचना देना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि अशिक्षित और दबंग परिजन डॉक्टर को मुसीबत में डाल देते हैं, जैसा कि संस्मरण कार डांगरी पड़ी है तोने में दर्शाया गया है। जब एक जांबाज
प्रसव पीड़ा से छटपटाती पत्नी को छोड़कर जनता के बीच छुपाए गए खतरनाक बमों को डिफ्यूज करने चला जाता है और हजारों लोगों के प्राण बचाता है, तब अपने आप ऐसे कर्तव्य परायण सेवक को सैल्यूट करने का मन करता है। ऐसे समर्पित जाबाजों की कहानियां जनता के सामने आना अति आवश्यक है। इसी तरह दुर्गम बर्फीले क्षेत्रों में जहां -27 अंश का तापमान होता है, खाने और सोने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तब बहुत तेज भूख में कच्ची खिचड़ी भी पकवान से कम नहीं लगती। कच्ची खिचड़ी और बर्फ में लाशें एक ऐसा ही संस्मरण है, जो बर्फ में दबकर मर गए सैनिकों और उसको खोजने वाले सैनिकों के संघर्ष को दर्शाता है। ईमानदारी से अपने दायित्व के निर्वाह करने पर जो मान आदर मिलता है, उसके आगे पैसों का कोई मोल नहीं होता। सदाचार सदा विजय ते यही सीख देती है। स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का कब्जा और जान पर खेलकर उसे मुक्त कराने का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जलता पंजाब, बम बंदूकों के धमाके, बेकसूर इंसानों का बहता खून, जब ऐसे में मुर्दों के बीच जिंदगी तलाशते लेखक की जान मशीन गन की गोलियों की बौछार से मात्र कुछ इंच के फासले से बचती हो, तो फिर अपने आप लिखा जाता है दहशत भरा संस्मरण, जाको रखे साइया। वक्त वास्तव है, चेतावनी देती है कि जब तक आप किसी अच्छे पद पर हैं, दुनिया सैल्यूट मारेगी। आपके सेवानिवृत्त होते ही दफ्तरों की क्रूर लाल फीता शाही के सामने आप लाचार होकर रह जाएंगे। यदि किसी वृद्ध असहाय को इतना प्रताड़ित किया जाए कि उसके सिर का साया ही छीन लिया जाए, उसे 2 जून की रोटी को मोहताज कर दिया जाए, तब उसके दिल से निकली हाय से पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। इस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है रचना तुलसी हाय गरीब की। अक्सर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, भोपाली भाषा में फन्ने खां का लंदन में बड़ा दिन पढ़ते हैं तो बरबसी ओठों पर मुस्कान आ जाती है। अथ अंधविश्वास रचना रूढ़ आडंबर और अंधविश्वास पर तीखी चोट करती है, जबकि और ये विकास में चमचमाते शहर में टॉयलेट्स के बीच में रह रहे गरीब आदमी की व्यथा की था तरक्की के सारे दावों की पोल खोल कर रख देती है। पक्षी प्रेम की संवेदना को समर्पित है रचना आज का सिद्धार्थ। लंदन की आडंबरहीन और कम खर्चीली तथा सुविधाजनक चुनाव प्रणाली से परिचित कराती है रचना वहां के चुनाव। भोपाल को सजाने संवारने और विलीनीकरण आंदोलन में योगदान देने वाली महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है संस्मरण पापा जी। लघु कथा शक्ति का शेप कुछ हद तक कहानी के करीब जाता है, जिसमें एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को मृत्यु उपरांत सब लोगों के रोकने के बावजूद परंपराओं की बेड़ियां तोड़ते हुए शमशान घाट तक जाती है और अपनी छोटी सी बच्ची के हाथों अपने पति का दाह संस्कार कराती है। स्त्री शक्ति को बल देती यह कथा उल्लेखनीय है। छोटी गाड़ी वाले की गलती से भी यदि बड़ी गाड़ी वाले से एक्सीडेंट होता है तो गलती सदैव बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। पुलिस भी बड़ी गाड़ी वाले को मोटा मुर्गा समझकर अन्यायपूर्ण ढंग से कमाई के चक्कर में रहती है। देश में सर्व प्रचलित इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को रेखांकित करती है रचना बड़ा जुर्म। संग्रह की रचना सन्नाटे के बाद ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसमें एक संपन्न वृद्ध व्यवसायी का पुत्र समस्त व्यवसाय और मकान को बेचकर उसे धोखे से वृद्धाश्रम में भर्ती करके विदेश चला जाता है। व्यवसायी पहले तो दुखी होता है, परंतु फिर वापस पूरी मेहनत और लगन से आश्रम के नाम पर व्यवसाय खड़ा कर देता है तथा आश्रम का नकारात्मक माहौल बदलते हुए सभी वृद्ध जनों को काम में लगाकर उनके जीवन में खुशियों का संचार करता है। यही नहीं, अपने पुत्र की कंपनी को बड़ा सा इंपोर्ट ऑर्डर देकर उसे आश्चर्यचकित और शर्मिंदा भी कर देता है। रामजोग आश्रम इंदौर से संबद्ध यह कथा मेरी दृष्टि में
संग्रह की सबसे सशक्त रचना है। संग्रह की अंतिम रचना तिरिया चरित्र तथा कथित पढ़ी लिखी महिलाओं की कुटिलता, बदतमीजी और दबंगपन को उजागर करती है। संग्रह की भाषा में कथानक के अनुरूप पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी का सम्मिश्रण है, अतः यह साहित्यिक भाषा के मानदंड को भले पूरा ना करती हो परंतु पाठक के मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लेती है। विनोदपूर्ण शैली इस संग्रह की अन्य विशेषता है। भाषा में ईमानदारी और साफगोई स्पष्ट झलकती है और ज्ञान रंजन के साथ ही सेना और चिकित्सा के पेशे से जुड़ी जानकारी ज्ञान वृद्धि भी करती है। संग्रह रोचक एवं पठनीय है, तथापि पूरी रचनाओं का शिल्प संस्मरणों और कहानियों के बीच झूलता सा लगता है। लेखक को सुझाव है कि उसके पास संस्मरणों का समृद्ध भंडार है, अतः भविष्य की तत्संबंधी पुस्तक संस्मरण शैली में ही लिखें और पुस्तक में एक ही विधा की रचनाएं रखें। इस जनोपयोगी कृति हेतु डॉक्टर गिरजेश सक्सेना जी को बधाई एवं उन्नत लेखकीय भविष्य हेतु हार्दिक मंगल कामनाएं। आप सबका भी आभार जो बड़े धैर्य पूर्वक आपने मुझे सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल सोनी जी। जैसा कि आपने पूरे अभी जितने भी हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित वक्ता हैं, सब समझ गए होंगे कि गोकुल जी ने कितनी गंभीरता पूर्वक इस कृति को, एक एक पृष्ठ को बारीकी से देखा है और उनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही है कि ज्ञान रंजन तो होता ही हमें, साथ में आपने जो पठनीयता का संकट है वर्तमान समय में पुस्तकों का, कि आपने कहा कि नहीं, पुस्तक के अंदर पठनीयता है। और मैं समझता हूँ कि किसी लेखक को और क्या चाहिए, एक ही बहुत बड़ी बात है। अगर किसी रचना में पठनीयता का अगर संकट नहीं है तो निश्चित रूप से कर्नल गिरजेश सक्सेना, ये हम बात छोड़ दें कि वे कहानी है अथवा संस्मरण है, कुल मिला के वे इस बात में कामयाब रहे हैं कि वे अपनी बात पाठक तक पहुंचा पाए हैं। अब मित्रों, इसी क्रम में हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं वे आदरणीय मुकेश वर्मा जी हैं, हमारे सुपरिचित, हमारे मार्गदर्शक, निरंतर हमें हमारे लघु कथा शोध केंद्र में भी वे आते रहे हैं और हम उन्हें अन्य मंच पर भी निरंतर उनकी उपस्थिति देखते हैं। जैसा कि आप मनोहर वर्मा जी के बारे में जानते हैं, आपकी खेलनपुर एवं अन्य कहानियां बड़ा चर्चित एक कहानी संग्रह रहा था आपका, फिर इसके साथ ही इस्तगासा और पिछले दिनों सत कथा कही जाती नहीं, उनका हमारे सामने कथा संग्रह आया और हमने ढींगरा फाउंडेशन इंग्लैंड का अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो राज्य संग्रहालय में उनको मिला था शिवना प्रकाशन, वहाँ भी हम उपस्थित थे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बनमाली सृजन पीठ का कथा सम्मान आपको मिला है और साथ ही मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का प्रतिष्ठित शैलेश मटियानी स्मृति कथा सम्मान भी आपको मिला है और साथ ही मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का हम यूं कहें कि महत्वपूर्ण बागेश्वरी सम्मान, अभिनव शब्दशिल्पी सम्मान और वे इन दिनों समावर्तन मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। साथ ही बनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष के रूप में अपनी साहित्यिक गतिविधियों को निरंतर हमारे सामने ला रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार परम श्रद्धेय श्री मनोहर वर्मा जी, जिन्होंने इस किताब में भूमिका और प्रस्तावना के रूप में अपनी बात रखी, वे आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री मनोहर वर्मा जी, आइए सर। आदरणीय मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार आपको। संचालक महोदय, मेरा नाम मुकेश वर्मा है, मनोहर वर्मा मेरे बड़े भाई का नाम है। सॉरी सर। तो आज इस प्रसंग में प्रसन्नता के बहुत सारे कारण हैं। जी। एक तो कारण यह है कि एक बहुत अच्छी किताब का लोकार्पण हुआ और इस किताब को हमारे गौरवशाली प्रकाशन आईसेक प्रकाशन ने प्रकाशित किया, ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। और आईसेक प्रकाशन ने इस किताब को जो प्रकाशित किया उनमें बहुत सारी किताबें वो प्रकाशित करते आ रहे हैं, लेकिन एक
उनकी जो एक विशिष्ट योजना है उसके अंतर्गत ये पहली पुस्तक है जिसका लोकार्पण इतने गरिमापूर्ण ढंग से और अपने मित्रों के बीच में हुआ और जिस पर बहुत सुंदर समीक्षाएं भी सुनने को मिली। ये लोकार्पण भी उस किताब का है जिसका लेखक एक फौजी है, एक डॉक्टर है, एक संवेदनशील शहरी है और हमारे गांव शहर का है, हमारा आत्मीय है, हमारे भोपाल में घूमता फिरता नागरिक है और हमसे हमारी ही बातें हमको बताता है, देश विदेश की भी बातें बताता है और इस तरह एक किस्सा गोई का अद्भुत ताना बन्ना वो रचता है। अच्छा, किताब भी भोपाल शहर के बारे में है, हमारे समाज के बारे में है, हमारे रिश्ते नातों के बारे में है, हमारे जनजीवन के बारे में है, हमारे देश और उसकी सीमाओं के बारे में। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनसे प्रसन्नता हमारी प्रगाढ़ होती है और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो सर ये है कि इस किताब की भूमिका मैंने लिखी है। जनरल साहब का आग्रह था कि मैं भूमिका लिखूं और शायद उनका यह संकेत भी था कि तुम कहानियां वहानियां लिखना छोड़ो, किताबों की भूमिका लिखा करो, यही तुम्हारे लिए ठीक है और मुफीद भी है। मुझे उनकी बात ठीक लगी। इस कहानी संग्रह की कहानियों को पढ़कर लगता है कि कहानियां लिखने का हुनर तो कर्नल को ही आता है, बाकी साहित्यकार अगर भूमिका लिखें तो साहित्य का बड़ा भला ही होगा। यदि आपको यकीन ना हो रहा हो तो इस संग्रह को पढ़ें, इसकी कहानियों को पढ़ें, इनके चरित्र चित्रण को पढ़ें, इनके घटनाओं के स्वरूप को पढ़ें, दृष्टांत पढ़ें और देखें कि किस तरह एक प्रसन्नता का आलोक फैला हुआ है। मैंने अपनी भूमिका में लिखा एक नूर सा फैला हुआ है और ये वाकई लगता है कि चारों तरफ प्रकाश है। मित्रों, हम साहित्य पढ़ते हुए या तो घोर नैराश्य में या दुख में डूब जाते हैं या करुणा और करुणा के सागर में हम गोते लगाने लगते हैं या भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं, बड़ी भावुक कहानियां होती हैं या फिर हल्के फुल्के हो जाते हैं और कुछ मनोरंजन हो जाता है। लेकिन कर्नल की किताब को पढ़ते हुए एक अलौकिक प्रसन्नता होती है, मन कामनाओं से भर जाता है और रोशनी जो है हमारे इर्द गिर्द ठहर जाती है। ये रचना की बड़ी बात। हमारे बीच में संत बैठे हैं और उन्होंने कई भाषणों में मूल रूप से इस बात को पर बल दिया है कि रचना सुख का कारण होना चाहिए। रचना अपने पढ़ने से हमारे भीतर वो कोई ऐसी ज्योत जलाए जो अपने आंसू और आहों के बावजूद झिलमिल उम्मीद की किरण जगाए और तृप्ति का आस्वाद भी हमको दिलाए। हमारे जो पितृ पुरुष हैं मनमाली जी, उनकी कहानियों में भी यही बात बहुत गहन रूप से सामने आती है। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए, उनके निबंधों को पढ़ते हुए वे आग्रह पूर्वक यही चाहते हैं, यही कहते हैं कि रचना जो है वो हमारे सुख का कारण होना चाहिए, हमको घोर निराशाओं से हटा करके किसी उम्मीद की किरण की ओर ले जाती हुई दिखाई देनी चाहिए और यह बात कर्नल की रचनाओं में है। यदि आप उनकी कहानियों के बयान देखें, उनके बखान देखें, उनके वर्णन देखें, उनके विवरण देखें, उनके वृतांत देखें, उनके व्यंग देखें तो हम ये इस निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं कि कर्नल ने अपना जीवन विभिन्न रूपों में जिया है और जो मनुष्य के मूल स्वरूप है उसको उन्होंने पकड़ा है। वे अपनी रचनाओं में मानवीय मूल्यों की इसी तरह प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और
एक लेखक के लिए ये बड़ी बात होती है, और यही बात कि वे अपने लेखन के इस जज्बे को यूं सदाबहार बनाए रखेंगे। और ये जो बेमिसाल किस्सा गोई का हुनर उनके पास है, इससे हिंदी साहित्य को लगातार संपन्न समृद्ध करते रहेंगे। अभी उनकी उम्र ही क्या है, अभी तो उनको बहुत लिखना है। मैं उनको दुआएं देता हूँ, वे बहुत शतायु हूँ, और कम से कम 100 किताबें तो उनकी आ ही जाना चाहिए। हमारा प्रकाशन इसके लिए प्रतीक्षा रखती है कि कर्नल की किताबें और भी। आपने देखा होगा या आगे आप देखेंगे कि इस किताब का जो प्रकाशन है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से किया गया है। इसका लेआउट भी बहुत सुंदर है, इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं प्रकाशन के अधिकारी श्री महीप निगम को और संपादक श्री गुणाल सिंह को भी बधाई देता हूँ। और ये जो हमारे तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विश्व रंग जो हमने कार्यक्रम किया था विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके ये विभिन्न आयाम हैं जो एक के बाद एक चलते चले आ रहे हैं। अगला विश्व रंग हम फिर नवंबर में करने वाले हैं। हमारे संतोष जी बैठे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में एक बड़ा काम पहले हुआ था, अब फिर ये दोबारा काम ये होगा। तब तक हम इसी कार्य में लगे रहेंगे कि लेखक चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे भोपाल का हो चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, हमारे लिए बहुत बहुत आदरणीय है, और हम उसका श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक स्वागत करते रहेंगे और उसको प्रकाशित करके साहित्य को संपन्न करते रहेंगे। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुकेश वर्मा जी ने, जैसा कि अभी बताया कि ये किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा है हमारे अंदर, अभी वर्तमान में देखी जा रही है कि ये इससे हम कटते जा रहे हैं। खासतौर से युवा पीढ़ी के अंदर इस तरह के संस्मरण, इस तरह के संस्कार भी नहीं है। तो उस तरह से अगर जो हमारी आपने कहा कि आगे भी हमारे कर्नल साहब इस तरह से, अगर अभी आपने कहा जैसे उनकी उम्र क्या है, अभी तो उनकी 100 पुस्तकें आना है, और निरंतर रूप से जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब की पिछले 2-3 वर्षों में सृजन उन्होंने किया है, और अन्य पांडुलिपियां भी उनकी तैयार हैं, निश्चित रूप से हमें उनकी और भी महत्वपूर्ण कृतियां देखने को मिलेंगी। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और आभार करता हूँ। अब मित्रों, हमारा अगला चरण, और यूं कहें कि हम मुख्य वक्ता के पश्चात अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय संतोष चौबे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, वे कवि हैं, कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, और साथ में उनका विज्ञान लेखन में बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपके भी 2 कहानी संग्रह, हल्के रंग की कमीज और रेस्तरा में दोपहर, और 2 उपन्यास, राग केदार और क्या पता कामरेड मोहन, ये भारत भवन में आयोजन हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन हुआ था। मैं भी संयोग से इस किताब के लोकार्पण में वहां पर उपस्थित था, और आपका कविता संग्रह कहीं और सच होंगे सपने, साथ में कंप्यूटर एक परिचय, आपकी इस कृति की बार बार चर्चा होती है कि इसने बिक्री के जो तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे, और खासतौर से सर जो इलेक्ट्रॉनिकी इन दिनों, मतलब समझिए कि इलेक्ट्रॉनिकी जैसे विषय के ऊपर इसको लगता होगा लोगों को कि यार किस तरह की पत्रिकाएं बाजार में आती हैं, और उस ऐसे आज के समय में विज्ञान के युग में और जो इलेक्ट्रॉनिकी का समय है, सर ने कितने समय पहले इस चीज को समझ लिया था, और उन्होंने यूं कहा कि कंप्यूटर और सूचना तकनीकी पे इतनी तरह की पुस्तकें हम सबको उपलब्ध करवाई, और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि सर को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का दुष्यंत कुमार अलंकरण, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पुरस्कार, और कितना हमें गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, ये बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ कि सर का चयन भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयन हुआ हो। और मुझे ये भी व्यक्तिगत रूप से अच्छा लगता है सर के आदर्श बहुउद्देश्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहाँ मॉडल स्कूल, जहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी पास किया है, आदरणीय बनमाली जी वहाँ पर हिंदी के अध्यापक थे और सर ने भी वहाँ पे अध्ययन, ये मेरे व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण काम कर रहे टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रचनाकार श्री संतोष चौबे जी आए और आज अपनी बात रखें, बहुत सम्मान और तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं संतोष चौबे जी। आइए सर, नमस्कार।
धन्यवाद घनश्याम जी, ये मेरे लिए एक सुखद सूचना है कि आप मॉडल स्कूल के छात्र हैं। हालांकि आपने कभी शायद पहले भी इसका जिक्र किया था और मैं वहाँ प्रेसिडेंट था 1971 में, और 1971 का मैं हायर सेकेंडरी हूँ, और दादा यानी वनमाली जी वहाँ पर प्रिंसिपल थे, लगभग 4-5 साल प्रिंसिपल रहे, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उस समय के आसपास हैं, और अब सब वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन बार बार वो जीवन की यात्रा के दौरान मिल जाते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है कि मैं मॉडल स्कूल का हूँ। आदरणीय शिवराज सिंह जी भी मॉडल स्कूल में थे, और वो 6वीं 7वीं में थे जब मैं प्रेसिडेंट बना था, और मुझसे 4-5 साल छोटे हैं, और उसके बाद ये बहुत सारे मंत्री जिसमें वोरा जी का जो बेटा था जो बाद में अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में है, सोढ़ी हुआ करते थे, और बहुत सारे मंत्री मॉडल स्कूल। मैं 79 बैच का रहा सर, मैं 79 का। जी जी जी, तो मॉडल स्कूल एक नर्सरी था वैसे ही, जैसे कि मेरा कॉलेज मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो उस समय MSET कहता था, वो भी राजनीति की एक नर्सरी रहा, और वहाँ से बहुत सारे बड़े लोग जिनको कहा जाता है वो निकले, सांसद हुए, मुख्यमंत्री हुए, और भी बहुत सारे लोग वहाँ से निकले। तो ये तो खैर मैंने बाय द वे ये बात कही। आज की सभा में उपस्थित आदरणीय मुकेश वर्मा जी, आदरणीय गोकुल सोनी जी, आदरणीय कांता रॉय जी, जया खेतकी जी, और हमारे आज के कथा लेखक गिरजेश सक्सेना जी, घनश्याम मैथिल जी, और सारे मित्रों, बहुत सारे श्रोता भी इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम इससे जुड़ा है, सृजन पीठ का नाम जुड़ा है, तो उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आइसेक पब्लिकेशन का जो अच्छा काम आपने बताया, ये काम शुरू हुआ है, ये जारी रहेगा, और हाल में हमने बहुत सारे लोगों को प्रकाशित किया है, और कोशिश करेंगे कि आप जैसे और भी प्रश्नकार इसमें शामिल हों। मैंने ये किताब पूरी पढ़ी है, पहले कहूँ कि गिरजेश जी की ये किताब मैंने पूरी पूरी पढ़ी है, और कुछ रचनाएं दो बार भी पढ़ी हैं, इसलिए मैं इस किताब को जानता हूँ, और जिस तरह से इस पर कहा गया है वो बातों को भी मैं एक हद तक मानता हूँ। मैं रचना वार बात करना नहीं चाहता, क्योंकि कांता राय जी ने और जया जी ने अच्छी बात कर ली है, और गोकुल सोनी ने उसके मूल द्वंद्व के बारे में भी इंगित किया है जो मूल द्वंद्व इसमें है। मुकेश वर्मा जी ने भी अपनी भूमिका में ही इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, और उन्होंने कहा भी कि एक तरह का आलोक पैदा करती है आपके मन में, जिससे मैं सहमत हूँ कि एक तरह का प्रकाश तो ये पैदा करती है। मैं इसके पहले कुछ अच्छी बातों के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि, और फिलहाल मैं इसको कथेतर गद्य के रूप में ले रहा हूँ, मैं इनको कहानियों के रूप में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी भाषा और समृद्ध होगी और धनी होगी अगर अलग अलग अनुशासनों के लोग इसमें आएंगे, जब डॉक्टर इसमें आते हैं, जब आर्मी के लोग इसमें आते हैं, जब इंजीनियर इसमें आते हैं, जब अलग अनुशासनों के लोग प्रशासक इसमें आते हैं, तो वो अपनी जीवनानुभव लेके आते हैं, और जीवनानुभव को वो भाषा में परिवर्तित करते हैं। इस तरह भाषा समृद्ध होती है, ज्ञान समृद्ध होता है, और अनुभव भी समृद्ध होता है। ये समृद्धि निश्चित रूप से कर्नल सक्सेना अपने आर्मी के अनुभव से इस किताब में लेके आए हैं, और जैसा कि आप सबने कहा ये बहुत ही दिलचस्प अनुभव बन पड़े हैं, और आपको भीतर से कई नई संवेदनाओं से स्फुरित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि अन्य अनुशासनों के लोग साहित्य में आए, और साहित्य और हिंदी में आए,
और उसमें लिखें और उसको समृद्ध बनाएं। डेफिनेटली ये जो संग्रह है ये इस तरह के अनुशासन का एक प्रमाण है और ये स्वागत योग्य बात है। दूसरी बात जो वो भी आप सबने कहा है कि इसमें जीवन के जो अनुभव हैं बहुत ही प्रामाणिक हैं, मतलब आपको जो संवेदना और प्रमाण की कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको ऑथेंटिक जीवनानुभव मान के पढ़ सकते हैं। और जिस तरह से वो किसी लेखक को उसने छुआ होगा उस समय, वैसा ही वो आपको इस समय छूता है। तो इसलिए इसकी जो प्रामाणिकता की बात की गई और संवेदनशीलता की बात की गई और जो इसके प्रकाश की बात की गई, वो इसलिए है कि बहुत ही प्रामाणिक अनुभव है जो आपको उसी संवेदना के क्षण में ले जाता है जो क्षण लेखक ने महसूस किया होगा। और कहते भी हैं कि कहानी एक तरह से संवेदना का क्षण होती है और उस क्षण को वो प्रस्तुत करती है, उसके पीछे एक पीठिका होती है, उसके पीछे एक भूमिका होती है, लेकिन अंततः वो संवेदना का एक क्षण होती है और वहां पर वो इसको सिद्ध करता है। तीसरी बात जो इसके बारे में अच्छी है वो इसकी भाषा है। मतलब मैं तो आजकल बार बार ये महसूस करता हूँ कि हमारी भाषा कितनी रूखी सूखी हो गई और उसमें उसमें कितना सारा बाहर से आना चाहिए था। अभी हाल में ही मैं दोबारा वनमाली जी की कहानियां पढ़ रहा था तो उनके पास जो एक लोक भाषा है, उनके पास उर्दू का जो प्रयोग है, उनके पास जो विभिन्न शहरों में रहने के अनुभव हैं, उससे जो भाषा उसमें आती है, ये गिरजेश जी के पास में भी है। गिरजेश जी के पास में पंजाबी का बहुत बढ़िया टच है, उनके पास उर्दू का बहुत बढ़िया टच है, और क्योंकि वो भोपाल में रहे हैं, भोपाल शहर में रहे हैं, तो मकसूद चाचा जैसी कहानियों में वो उर्दू का इतना अच्छा शब्द और प्रयोग लाते हैं, और पंजाब के अनुभव में पंजाब भी आपने सबने जिक्र किया उनका, वो अनुभव लाते हैं, भाषा लाते हैं। तो भाषा ये देखिए, मतलब ये बहुत ही स्वयं सिद्ध जैसी बात है कि अगर हम भारत की अन्य भाषाओं से अंतर्क्रिया करेंगे, अगर हम भारत की अन्य बोलियों से अंतर्क्रिया करेंगे तो इससे हिंदी भाषा समृद्ध होगी, और ये समृद्धि आपको कई जगह पर देखने मिलती है। और उसका रुखा सुखापन इसलिए है कि जैसे जैसे आप भारत की अन्य भाषाओं से कटते जाएं, आप अपनी बोलियों से कटते जाएं, तो आप एकदम रूखे और रुक्ष व्यक्ति नजर आते हैं। तो ये जो रस है भाषा का, और किस्सा गोई की बात भी आपने करी, तो चौथी बात मेरे ख्याल मुझे लगता है कि भोपाल में जो रहता है और जो पुराना भोपाली है उसके पास किस्सों का होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब किस्से बहुत सारे होते हैं, आपने दर्जी मस्तिकी की बात इसमें एक जगह की है, आपने और भी लोगों का जिक्र किया है, तो वो सारे बड़े लोकप्रिय किस्म के पात्र हैं भोपाल के, जिनके किस्से यहाँ पर हैं। तो चौथी बात इसकी किस्सा गोई और इसका शिल्प है जो कि इसको रोचक और पठनीय बनाता है। आप सबने कुछ कहानियों का जिक्र किया, मैं भी कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। एक और बात कहूं कि इसमें एक किताब में अच्छी बात इसके इसकी इसकी इसके मूल्यों और संस्कारों का इसमें होना है। मतलब आजकल कहानियां इस तरह से लिखी जाती हैं जैसे मूल्यहीन होना कोई मतलब बड़ी बात है ना, मूल्यों का ना होना कहानियों में अच्छी बात है, कुछ इस तरह से कहा जाता है। लेकिन अगर आप मैं भूमिपुत्र पढ़ेंगे, अगर आप बद्री प्रसाद डॉक्टर को देखेंगे, अगर आप मां साहब को देखेंगे, तो वो आपको उन मूल्यों की याद दिलाते हैं जो धीरे धीरे विस्मृत होते जा रहे हैं और जिनका होना आवश्यक है। ये कहानियां आपको अच्छी इसलिए भी लगती हैं कि आपको उन मूल्यों की याद दिलाती हैं जो आपके यहाँ विस्मृत हो गए, और आपकी कहानियों में अब वो आते ही नहीं, उनके आने से बड़ा पिछड़ापन जैसा लगता है कि यार ये कुछ गंवार किस्म के मूल्य थे, अब तो हमें आधुनिकता में ये करना है। तो ये एक बार याद दिलाती है कि देखो प्रेम रस या माँ साहब जैसी आदर्शवादिता या डॉक्टर साहब जैसे सेवा भाव, ये सब सोसाइटी की बहुत जरूरी, समाज की बहुत अच्छी और जरूरी चीजें थी और इनको हमने धीरे धीरे बुलाया। तो ये भी इस किताब की एक अच्छी बात है। भूमिपुत्र वाली किताब में वो कहता ही है कि मैं राशि एकता जैसी कहानी है, उसके लिए अलग से कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। मैंने भी डॉक्टर साहब का जिक्र किया था, वो कहानी पढ़ी ली गई है। मकसूद चाचा अपने आप में बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी अच्छा संस्मरण कम कहानी है, और मकसूद चाचा का जो रूपांतरण हुआ है वो हमारे समाज का रूपांतरण ऐसा बहुत सारा हो रहा है, और हमारे समाज की एकता के सूत्र भी उसमें छुपे हुए हैं कि क्योंकि क्योंकि जो हैं
वो पहले क्या थे और अब क्या हैं, वो इस तरह से देखा जा सकता है जैसा कि इस कथा में देखा गया है। ऐसे ही एक कहानी और है, फिलहाल इसमें सामने मुझे नहीं आ रही है, मासा कहानी का मैंने जिक्र किया। एक पांचवी छठवीं अगली बात यह है कि इसने एक तरह के शिल्प की भी ईजाद की है। जैसे आप किस्सा कहना चाहें, जब आप लाल घाटी के बारे में कहते हैं, या जब आप नादिरा बस स्टैंड के बारे में कहते हैं, या आप जब आप एक भौतिक ऑब्जेक्ट को एक व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो ये एक तरह की शैली है जिसको भी और विकसित किया जाना चाहिए था, और इसमें बहुत सारा रस निकल सकता था यदि उसको और विस्तार दिया जाता। तो इस किताब की ये क्षेत्र, मैंने हिंदी भाषा भी जहाँ है वहाँ अच्छी और प्रांजल है, हो सकता है जया ने भी कुछ काम किया हो और गिरिजेश जी का अपना भी काम इसमें रहा होगा, तो इसके जो हिंदी भाषा है उसकी जो प्रांजलता है अच्छी, मतलब चलती हुई भाषा है और पढ़ने में इसमें रस मिलता है। तालाबों का भी जिक्र है, जब मैं मूल्यों की बात कर रहा हूँ तो इसमें एक छुपी हुई चीज है जिसमें इंग्रेडिएंट इसके अंदर है कि प्रकृति के प्रति और विकास के प्रति एक तरह का संतुलित दृष्टिकोण इस कहानी में, इन कहानियों में मिलता है। भाई आप तालाबों की बर्बादी कौन देख रहा है? भोपाल शहर का क्या होगा, तालाब बर्बाद हो जाएंगे, और हमारे अन्य जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं इनको कई जगहों पर आप देखते हैं कि बहुत ही चेतना के साथ में और बहुत ही चिंता के साथ रखा गया है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एक तरह की हार का स्वीकार है, बल्कि एक प्रश्न चिन्ह उसमें खड़ा किया जाता है कि इनको, इनका क्या किया जाएगा और हम क्यों नहीं इनके बारे में चिंतित होते। तो ये सारे मूल्य इसमें निकलते हैं। इससे मुझे एक तो ये जो कुत्ते की मृत्यु वाली कहानी है उससे मुकेश भाई साहब की एक कहानी मुझे याद आई, जो वो निकल रहे हैं और कार है और शायद बीमार स्त्री है, या कि मतलब शायद मुझे एकदम ठीक याद नहीं, शायद प्रेग्नेंट महिला है, कहीं जा रहे हैं और जल्दी पहुंचना, एक कुत्ता सामने आके उस कार के नीचे आ जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, बलि शायद कहानी का नाम है, कि चलिए बलि हो गई, अब बाकी आगे का काम जो है वो ठीक ठीक होगा, कुछ उस तरह की कहानी थी। वो उसकी जमीन थोड़ी अलग थी, लेकिन इस कहानी ने उस कहानी की याद दिलाई। इसमें दो कविताएं मुझे अपनी भी याद आई, जैसे जो लंदन वाला जो दृश्य है उसमें मेरी एक अप्रवासी भारतीयों पर कविता है, लंबी कविता है, उसका जिक्र है। बलराम की भी एक कविता है जिसका जिक्र उसमें होता है। वैसे ही डॉक्टरों के बारे में भी मेरी एक कविता है, जिसमें कि डॉक्टर किस तरह से अंदर से चिंतित होता है लेकिन बाहर से कैसे वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, उस पर भी एक कविता है। तो इनकी रचनाएं कुछ और दूसरी रचनाओं की भी याद दिलाती हैं, ये रचना की अच्छाई। अब मित्रों में कुछ एक दो बातें अलग कहना चाहता हूं जो कलर सक्सेना के लिए मददगार साबित होंगी, मुझे लगता है कि इसको कहा जाना चाहिए। ये बात डेफिनेट है कि ये जो संग्रह है सत्य तथ्य और कथ्य, ये मेरे मन में कहानी संग्रह नहीं है, ये कहानी संग्रह हो भी नहीं सकता है। इसमें कहानियां बनने का बहुत अच्छा गुण है, इसमें कहानियों का बहुत सारा रॉ मटेरियल है और ऐसा बहुत सारा कच्चा माल है जिससे कहानियां बुनी जा सकती हैं और कहानियां बनाई जा सकती हैं। जैसे मां साहब अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत अच्छी कहानी बन सकती, या मकसूद चाचा अपने आप में इतनी बढ़िया कहानी, एक बारीक सा फर्क है जो मैं यहां बताना चाहता हूं। रॉ मटेरियल में और फिनिश्ड गुड में एक चीज है जो मीडिएट करती है, वो चीज है कला। तो अगर कलात्मकता मीडिएट करेगी तो वो कहानी बन जाएगी, अदरवाइज वो संस्मरण रहेगी। लेकिन यहां मैं कहना चाहता हूं कि इसको संस्मरण की तरह ही किया क्यों ना किया जाए, जो गोकुल सोनी जी ने कहा। आप में से बहुत लोगों ने, मैं मुकेश भाई का तो जानता ही हूं, उससे किताब से प्रभावित भी हैं, खलील जिब्रान की एक किताब है द प्रॉफिट करके, जो जिसमें कि एक सूफी संत है जो गांव छोड़ रहा है और गांव के लोग आके उससे कई चीजों के बारे में पूछते हैं, अब हमें प्रेम के बारे में बताइए, अब हमें बच्चों के बारे में बताइए, अब हमें स्त्रियों के बारे में बताइए,
तो ये संत गांव छोड़ते समय बहुत छोटी छोटी कहानियां सुनाता है और संस्मरण सुनाता है जो कि उसका दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि इसमें एक सिर्फ बारीक धागा अगर डालने की बात थी तो एक ऐसा बारीक धागा डाला जा सकता था, कर्नल सक्सेना अपने आप को उस जगह पर रख लेते जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं और वो अपने अनुभवों को पिरो देते तो एक तरह का वो स्टोरी लाइन उससे बिल्डअप हो सकता था। और वो अब ये बात कहना बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, लेखक स्वयं अपनी चीज चुनता है और वो कैसे करता है, लेकिन मैं प्रतिक्रिया अपनी ये दे रहा हूँ कि इसमें कथात्मकता बुनी जा सकती थी लगभग उस तरह से जैसे कि ये हुआ। दूसरा, प्रत्येक इसमें से कुछ चीजें हैं जो कहानियां बनने के योग्य हैं, कुछ चीजें हैं जो कहानियां बनने के योग्य नहीं भी हैं। तो अगर ये थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा मकसूद चाचा बहुत बढ़िया कहानी, मास साहब बहुत अच्छी कहानी, डॉक्टर बद्री प्रसाद बहुत अच्छी कहानी, और कुछ चीजें हैं जो आत्मकथ्य की तरह से हैं, तो लाल घाटी की जो बात है या त्रिताल नामा की जो बात है या इस तरह की जो चीजें हैं उनको एक अलग शैली में लिखा जा सकता है और बाकी को संस्मरण की तरह भी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा इस पर ये काम करना, ग्रेन एंड चेफ को अलग अलग करना आवश्यक था। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये रोचक है, प्रामाणिक है, दिलचस्प है, पठनीय है और कथेसर गद्य के रूप में आज भी इसकी बहुत महत्ता है और ये बहुत बढ़िया तरह से पढ़ी जाती है। जब पढ़ी जाती है तो इसमें मतलब मैंने दो बार पढ़ ली इसको, एक बार कल रात में लगभग और एक बार आज सुबह से उठ के पूरा पढ़ा, और मैंने इसको एक बार सामने से पढ़ा एक बार पीछे से पढ़ा, मतलब दोनों तरफ से मैंने देखा कि किस तरह से इसका फ्लो बनता है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पठनीय गद्य है, भाषा है, सब कुछ है आपके पास। इसमें थोड़ा सा ये दृष्टि की आवश्यकता है। अब मैं यहाँ पर ये बात कह ही देता हूं कि जब हमने कहानी लिखना शुरू किया तो भोपाल में कथा गुरु होते थे, नवीन सागर उनका नाम था, मुकेश भाई भी जानते हैं उनको, और एक रमाकांत होते थे जो कि रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई दो तीन चीजें देखो, मतलब पहले तो सबसे बड़ी बात ये करना चाहिए कि आपके पास ये दृष्टि होनी चाहिए कि ये रॉ मटेरियल किस चीज का है। जैसे पेंटर जब जाता है तो वो देखता है कि ये जो हमारा मीडियम है ये किस चीज का है, मतलब ये ब्लैक पेंसिल का मीडियम है कि ये पेंट का मीडियम है कि जल रंग का मीडियम है, उससे क्या चीज करेगा। उसने कहा कि ये पहचानो कि ये कविता की बात है, ये कविता क्या मटेरियल है, या ये कहानी का मटेरियल है, या ये कथेतर गद्य का मटेरियल है, या ये उपन्यास, ये इससे एक उपन्यास भी बनता है, वैसे इस पूरे मटेरियल से एक उपन्यास भी बन सकता है और उपन्यास का मटेरियल रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो रॉ मटेरियल का पहचानना कि वो किस चीज का मटेरियल है, मुझे लगता है कि सबसे पहली बात। और अगर हम ये पहचान लेते हैं कि ये कथा का मटेरियल है तो फिर हमें थोड़ा कला को मीडिएट करने के बारे में, अभी मैं हाल का अनुभव बताता हूं कि इतने दिनों तक कथा करने के बाद में एक लंबी कहानी मैंने लिखी और मैं हर समय अनसर्टेन रहता हूं कि यार ये चीज मेरा मटेरियल का चयन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं लोगों को पढ़ के सुनाता हूं और मुझे ये फीडबैक मिला और उससे मुझे कोई बुरा नहीं लगा कि ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्री जैसा है, इसमें डिवाइस का प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि अंत में देखिए, जैसे जैसे डॉक्टरी एक अनुशासन है, या मैं इंजीनियर हूं इंजीनियरिंग एक अनुशासन है, या आर्मी एक अनुशासन है, कला भी एक अनुशासन, कलात्मक अनुशासन जिसको बोलते हैं, शब्द अनुशासन है ना, या संगीत का एक अनुशासन होता है ना। तो जो अनुशासन या डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, ये डिसिप्लिन अपने आप में कुछ कंडीशन इम्पोज करता है। कथात्मकता की आप किसी ने ओ हेनरी का जिक्र किया था बीच में, ओ हेनरी का जिक्र किया, या मोपासां का जिक्र किया, या सोमरसेट मॉम का जिक्र किया, या हमारे यहाँ अपने बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो सर हमें ये पहचान लेना पड़ेगा कि ये जो हमने लिखा है ये प्रामाणिक अनुभव जरूर है, पर इसमें कथात्मकता के लिए किसी डिवाइस का प्रवेश कराना आवश्यक है। और दूसरी बात कथात्मकता के लिए जरूरी है कि आप अपने रॉ मटेरियल से थोड़ी दूरी हासिल करें। जब आप दूरी हासिल करेंगे तो वो दृष्टि आपके पास आएगी कि आप इसको किस तरह से मॉड्यूलेट करेंगे। अब ये एक सवाल है सर, ये इसको कभी वर्कशॉप की तरह या जब हम लोग करेंगे तब इस पे बात हो सकती है। ये तो मैं एक प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में मैंने इस किताब को लेके कहा। मैं उन सारी बातों से सहमत हूँ
जो इसके बारे में कही गई हैं। मैंने खुद इसकी 6-7-8 बहुत अच्छे गुण गिनाए हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो गोकुल सोनी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक रेखा खींच लीजिए कि ये इसको मैं संस्मरण की तरह लिखूंगा। अच्छा, इसको पूरी तरह संस्मरण की तरह लिखा जाए तो ये और भी दिलचस्प हो सकती है, संस्मरण और भी दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि जब आप उसमें और रस लेंगे और मजे लेंगे उसमें और किस्सा कोई प्रवेश कराएंगे तो वो फिर दादी का संस्मरण हो जाएगा, वो अम्मा का संस्मरण हो जाएगा। लेकिन जब आप इसमें कलात्मकता लाएंगे और थोड़ी दूरी हासिल करेंगे और डिवाइस इंट्रोड्यूस करेंगे, दूरी थोड़ी करेंगे, तो ये कथा बनेगी उसको। और सारे संस्मरण कथा नहीं बन सकते, इनमें से कुछ हैं जो कि कथा के योग्य कथा बन सकते हैं। तो ये कुछ बात मैंने अध्यक्ष के पद से लाभ उठाते हुए कही। अगर मैं वक्ता होता तो मैं शायद बात नहीं कहता, अध्यक्ष की बात ये फ्रीडम रहती है कि वो कुछ चीजें कह दे। और मैं कल्लन साहब से बहुत प्रभावित हूँ, उनके उनकी जो ये तरीका, और जो मैंने कहा कि जैसे ये जो लाल घाटी वाला उनका संस्मरण है, अब उसके आगे तो आप जगदीशपुर वाले संस्मरण को बड़ा कर सकते हैं। जगदीशपुर वाला संस्मरण मुझे ठीक ठीक मालूम है कि कैसे दोस्त मोहम्मद खान वहां गए, कैसे वो खाना खाने पर बुलाए गए, कैसे खाना खाने बैठे और वो पान लेने के बहाने बाहर गए, और कैसे उनके सैनिकों ने टेंटों के रास्ते काट दिए, कैसे टेंट जो है वो जगदीशपुर के राजपूतों के ऊपर गिर पड़े, और कैसे दोस्त मोहम्मद खान ने उनका मर्डर किया, मतलब मास मर्डर किया। और हलाली नदी, आपने हलालपुर का जिक्र किया, लेकिन हलाली नदी भी वहां आ सकती थी, तो हलालपुर हलाली नदी से बात भी कर सकता था, और हलाली नदी अपना अपना भी अनुभव सुनाती तो हलालपुर अपना भी अनुभव सुनाता। फिर आप कुछ और लाल घाटी का एक मॉडर्न तीसरा पात्र ला सकते थे, आधुनिक पात्र होता, और वो कहता कि ये सब पुरानी बात थी, अब हमको नए तरह से सोचना चाहिए क्योंकि अब हम एक नए भोपाल में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक मतलब पात्रों और जो जो अपने अभौतिक पात्र हैं उनके बारे में भी, उनमें भी संवाद हो सकता है बहुत सारा। जब हम लाइट एंड साउंड देखते हैं चित्तौड़गढ़ में, लाइट एंड साउंड देखते हैं लाल किले में, लाइट एंड साउंड देखते हैं आजकल बहुत जगह शोज होते हैं, या गोलकुंडा में देखते हैं, उसमें कितने ऐसे पात्र हैं जो बात करते हैं आपसे, वो किला ही बात करता है या किले के आसपास उनके उनके मनुष्य और किले के बीच में बहुत सारा इंटरेक्शन होता है। तो ये कुछ मैंने विस्तारित बातें की कैसे एक बारीक रेखा खींच के संस्मरणों को कथेथर गद्य की तरह और रोचक और दिलचस्प तरीके से करें तो और भी मजा आएगा, और कुछ चीजों को छांट लें जिनकी कहानियां बन सकती हैं तो उनको कहानियों की तरह करें, और कुछ में औपन्यासिक विस्तार की संभावना होती है तो वो भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त बात अपनी ओर से कह दी है। मुझे किताब को पढ़ने में बहुत मजा आया, और मैं कर्नल साहब को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरफ रुख किया है। अब जब रुख किया है तो दोस्तों से बात तो करनी पड़ेगी और कुछ और अपने काम का विस्तार करना पड़ेगा। मैं आज भी अपनी कहानी पहले अपने मित्रों को सुनाता हूँ और उनकी पूरी आलोचना ले लेता हूँ, उससे बाद में मुझे खुद उसको ठीक करने में बड़ी मदद मिलती है। तो मैं इस भावना के साथ एक दो बातें मैंने कही हैं। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हमारी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी, आप सबका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब इसमें आए। हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, तो कुछ सवाल भी पूछे गए हैं, तो मैं एक मिनट एक दो सवाल देख लेता हूँ। कांता राय जी से पूछा गया है कि लघु कथा और कथा में भेद बताएं, तो वो अपने खाली समय में बता सकेंगी। अंजू लता सिंह ने ये सवाल पूछा है, और कुछ लोगों ने कहा है कि वो लेट ज्वाइन किए थे, तो उसकी कोई बात नहीं है, और कुछ लोगों ने बधाइयां भी दी हैं। तो अंततः मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, और संयोजक महोदय से कहता हूँ कि वो इसकी समाप्ति की तरफ बढ़े। मैं कन्नन साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज कम से कम इस पुस्तक चर्चा के बहाने हमको भी कुछ नई चीजें सुनने को मिली, खासतौर से आपकी ये जो बात आपने बताई कि जो मटेरियल को समझना कि हमारा मटेरियल किस चीज का है, ये कविता का है, कहानी का है, संस्मरण का है, उसको हमें समझना होगा, फिर उसके ऊपर हमको काम
को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। खासतौर से इस सर की किताब को लेकर ये बहुत अच्छी बात लगी कि हमको मूल्यहीनता के दौर में कुछ संस्कार की बातें, जैसे वो डॉक्टर साहब के बहाने आजकल चिकित्सा क्षेत्र में किस तरह की बातें आ रही हैं, अध्ययन के एजुकेशन के फील्ड में वो मास साहब की जो बात आ रही है, तो इस तरह की, और खासतौर से उनके भाषा और शिल्प को लेकर जो आपने बात बताई कि हमें कहीं ना कहीं भारतीय भाषाएं और हमारी बोलियां, जैसे कि आप भी हम देखते हैं कि आजकल लोग हम कहीं ना कहीं बोलियों से और भाषाओं से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि घालमेल हो रहा है, घालमेल नहीं, उससे हमारी हिंदी समृद्ध हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो संपूर्ण, बहुत अच्छी भाषा है कर्नल साहब के पास में, और वो बहुत ही रोचक और दिलचस्प गद्य लिख सकते हैं, मतलब कहानी लिख सकते हैं। पुराने भोपाली हैं सर, कभी पंजाब पहुंच जाते हैं, कभी सुदूर दक्षिण पहुंच जाते हैं, कभी सेवन सिस्टर्स के एरिया में नागालैंड मिजोरम, तो बहुत, और भी उनके पास बहुत सारी सामग्री है। तो मैं बहुत बहुत एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही इस कार्यक्रम को समापन की दिशा में ले जाते हुए जो आईसेक प्रकाशन के श्री महीप निगम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आज औपचारिक आभार इस कार्यक्रम का प्रस्तुत करें। श्री महीप निगम जी। धन्यवाद सर। कल जब पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा होगा तो उसकी पूर्व संध्या पर आज हमारे इस महत्वपूर्ण आयोजन में हम एक बार वनमाली जी को शिक्षक के रूप में भी याद करना चाहेंगे। वे अपने समय में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों में रहे। आज इस कार्यक्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति, आईसेट समूह के अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक एवं सामाजिक उद्यमी आदरणीय चौबे सर के हम विशेष रूप से आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम आयोजित करने में या इस तरह का जो एक नया प्रकल्प शुरू किया है उस प्रकल्प में हम एक और पायदान पे आगे बढ़े हैं। हम आभारी हैं मुकेश वर्मा जी के, वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन पूरी आईसेट पब्लिकेशन की टीम को लगातार मिलता रहता है। जब भी हमको उनकी आवश्यकता होती है वो लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनके हम हृदय से आभारी हैं। पूरी टीम की ओर से हम आभारी हैं इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए कांता राय जी के, गोकुल सोनी जी के, जया शर्मा जी के, जिन्होंने अपने समय में से हमें समय दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर्नल सक्सेना जी की इस पुस्तक के बारे में बताई। कार्यक्रम के बेहतरीन संचालन के लिए घनश्याम मैथिल जी के भी हम आभारी हैं। इसी के साथ आईसेक पब्लिकेशन की ओर से कर्नल सक्सेना जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए हमें चुना। हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। अंत में हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं, संजय राठौर जी, प्रशांत सोनी जी, कुणाल सिंह जी एवं रमन सर, उनका भी आभार इसमें अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए। पूरे देश विदेश से जो भी श्रोता या दर्शक इसमें शामिल हुए हैं उन सबका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अंत में एक और सूचना देना चाहता हूँ, आगामी 18 सितंबर को शाम 6 बजे पुनः एक पुस्तक का लोकार्पण आयोजित है, जैसा कि अभी सर ने जिक्र किया नवीन सागर जी का। तो नवीन सागर जी की संपूर्ण कहानियां जो आईसेट पब्लिकेशन द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक है, उसके लोकार्पण कार्यक्रम में भी आप सभी प्रतिभागियों की और अतिथियों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। अंत में पुनः सभी प्रतिभागियों तथा अतिथियों का हार्दिक आभार। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ख्याल रखें, इसी कामना के साथ नमस्कार। महीप, एक बात मुकेश भाई ने कही थी घनश्याम, और आप सबसे एक मिनट और लूंगा। ये तय हुआ है कि 22 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में विश्व रंग आयोजित होगा और ऑनलाइन आयोजित होगा। सारी गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। हमारे पास में बहुत सारा मटेरियल वैसे भी है। इस समय वैश्विक नेटवर्क काफी बड़ा है, जैसा आपने जिक्र किया था, तो वो लोग भी हैं, और कई गतिविधियां जो है लाइव भी आयोजित होंगी। कई गतिविधियां हमारे रिकॉर्डेड आधार पे होंगी, वीडियोस के आधार पे भी होंगी। तो ये पूरा प्लान बन रहा है। मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ पर सभी हमारे पुराने मित्र उपस्थित हैं, कि आप सब लोग जरूर इसमें शामिल होइएगा। आप सबके लिए उसमें विशेष स्थान रहेगा, और हम लोग इस साल को खाली नहीं जाने देंगे। हम विश्व रंग 2020 का आयोजन जरूर करेंगे। तो इतनी सूचना मैं आपको देना चाह रहा था। डेट्स तय हो गई हैं, 22 से 29 नवंबर, 22 संडे है और 29 भी संडे है, तो रविवार से रविवार के बीच में ये शाम को होगा, और 5 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, जो अंतर्राष्ट्रीय समय है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी लोग देख पाएं और अमेरिका की तरफ भी देख पाएं, लगभग उस तरह से ये समय आयोजित होगा। और शाम के 4 या 5 घंटे
ये आयोजित होगा। धन्यवाद मित्रों, महीप अब समाप्त करेंगे। संतोष जी, संतोष जी, अभी आपने विश्व रंग के लिए जो सूचना दी मन बहुत प्रसन्न हुआ और पिछले बार ऐसा नहीं हो पाया था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह से संस्मरण कहानी उपन्यास कविता पे आप विमर्श आयोजित करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक लघु कथा पे भी विमर्श का सत्र आप जरूर रखें। इस समय बहुत मतलब बहुत अधिक लोगों का रुझान लघु कथा की ओर है, तो हम चाहते हैं कि इस विमर्श के द्वारा बातें दूर तक जाए और गहरी चीजें निकल कर आए, क्योंकि जब आप बात करते हैं, मुकेश जी बात करते हैं लघु कथा पे, तो बात बनती हुई नजर आती है और लोगों को वो समझ में भी आती है। तो हम चाहते हैं कि आप एक सत्र लघु कथा के लिए भी विश्व रंग में रखिए। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। संतोष जी, आपने जो बातें कही उनको मैंने आत्मसात किया जी, और मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर मैं दोबारा से एक विचार करूंगा और संभव हुआ तो इसका किताब का एक सीक्वल लिखूंगा। हाँ जरूर, वाह। जो बातें आपने कही हैं मैं कोशिश करूंगा इनको मैं समझूं और समझ करके, एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर हूँ, लेखक साहित्यकार नहीं हूँ, मैं लेखन की बात है। हाँ, लेखन जो है वो मेरा लेखन मेरा व्यवसाय नहीं, व्यसन है, और व्यसन के अंतर्गत जो भी मैं लिख रहा हूँ उसमें जो साहित्य की बारीकियां हैं वो मैं जब जानता ही नहीं हूँ तो उनका समावेश कैसे करूंगा। नहीं, पर आपने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो काम है बहुत ही अच्छा है, मतलब कुछ तो लगभग कहानियां बनते बनते रह गई। कुछ जो ऐसे संस्मरण है वो लगभग कहानी ही है, उसमें एक थोड़ी सी डिवाइस की आवश्यकता थी तो वो बहुत सुंदर कहानियां बनते। और सबसे अच्छी बात जो आपके पास है वो आपका जो मूल्य आधारित वैचारिक आधार है ना, वो सबसे बड़ी बात जो कि आजकल कहानियों से गायब होता है। भाषा बहुत स्ट्रेंथ है आपकी, मूल्य आपके मतलब बहुत सॉलिड है, आपका अनुभव बहुत अच्छा है, किस्सा गोई है, ये सारी आपकी अच्छाइयां हैं जो मैंने शुरू में बताई थी। तो आप अपने आप में लगभग कहानीकार हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। जैसे गोकुल जी ने कहा था कि मेरी कहानियां साहित्य के करीब नहीं है, मैं उस विषय में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो अपनी भाषा शैली का प्रयोग किया है, मैं चाहता हूं कि इस आज कहानी को या मेरे जो भी मैं लिखता हूं इसको एक आम आदमी पढ़ सके। ये मैंने पंडितों के लिए नहीं लिखा, जो मैंने लिखा है आम आदमी, और आम आदमी तक हिंदी पहुंचे और हमारी देश की भाषा समृद्ध हो, उस विचार से मैं हिंदी और भी अच्छी परिष्कृत हिंदी लिख सकता था, मगर मैंने इसको जन जन की भाषा में लिखने का प्रयास किया। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, और मैं आपके पूरे इसको मैं दोबारा से कोशिश करूंगा, अगर मुझे रिकॉर्डेड वर्जन मिला तो मैं इसको दोबारा से सुनकर और इन चीजों को आत्मसात करके और कोशिश करूंगा कि मैं आगे इसको इम्प्रूव करूँ। नहीं, क्या बात, स्वागत है। कर्नल प्रशांत, ये कर्नल सक्सेना के किस्से की तरह एक ऑडियो बुक भी बनती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। एक ऑडियो बुक बनती है जिसमें कर्नल सक्सेना ऑडियो फॉर्म में किस्से सुनाए। जी जी, जरूर सर, जरूर। हाँ जी, कर्नल साहब के किस्से के नाम से एक ऑडियो बुक बनती है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, मैं आपके सहयोग से कोशिश करूंगा इसको आगे बढ़ाऊं। हाँ, हमारे स्टूडियो में आइए, हम आपको रिकॉर्ड करेंगे। जी सुनाइए। जी जी, ठीक है सर, पुनः एक बार सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी जल्दी। नमस्कार, नमस्कार संजय जी। नमस्कार, नमस्कार घनश्याम भैया। घनश्याम जी, आपने मेरे लिए एक तरह से बेड ऑफ रोजेस बना दिया और इतने अच्छे से संचालन किया, मुझे ऐसा लगा है जैसे पूरा मैं एक फूलों के रास्ते पे चलता जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांता जी, गोकुल सोनी जी, महिप निगम जी, जया केतकी जी, सभी लोग का व्यक्तिगत मेरी तरफ से आभार। चौबे जी के लिए तो मैं अपने शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बढ़िया घनश्याम, वेरी गुड जी सर, धन्यवाद सर।